राज नित देवे दीदार आरोगे बेर तीन वस्ता मांगे आरोग ते आज क्यों फिकी खारी कीन। प्रीतम अक्षरातीत विराजमान हो जाते हैं और श्री देवचंद जी के तन से जागनी लीला का प्रवाह चल पड़ता है। सबको एकत्रित करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञान का प्रकाश चाहिए, लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह से नहीं फैल रहा होता है तो उसमें कुछ चमत्कारों का भी योगदान होता है, जिसको वाणी की भाषा में आड़िका लीला कहते हैं। आड़िका लीला का तात्पर्य क्या है? परब्रह्म की कृपा दृष्टि से अचंभित कर देने वाली लीलाएं अवतरित होना। एक तो चमत्कार उसको कहते हैं जब योगी अपने ऐश्वर्य से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने वाली लीलाएं करके दिखा दे, जैसे कोई आकाश में उड़ने लगे, नदी के जल पर चलने लगे, एक साथ कई रूप धारण करके प्रकट हो जाए। किंतु ये लीलाएं तो प्रकृति की हैं, परब्रह्म की आवेश शक्ति विराजमान हो गई है श्री देवचंद जी के धाम हृदय में। परम धाम की आत्माओं को एकत्रित करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लीला तो वही की जाएगी जो उनको परम धाम की तरफ ले चले। सबको बताना है कि जो तुम चर्चा सुनने आए हो, तुम परम धाम की वही आत्माएं हो जो ब्रज और रास में अवतरित हो चुकी थी, और इसलिए ब्रज और रास की लीला जैसे कि तैसे हूबहू प्रकट हो जाती है। जब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी, पहले वे श्री देवचंद जी थे, अब हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद जी, जब चर्चा करते हैं तो श्री राज्य का आवेश स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेता है, रास की रामते करता है, ब्रज की लीलाएं करता है, और सबको ऐसा लगता है कि हम अखंड ब्रज में पहुंच चुके हैं, अखंड महारास में पहुंच चुके हैं। इन नेत्रों से वो सारी लीला दिखाई देती है और पल भर में अदृश्य भी हो जाती है। सब सुंदर साथ भोजन बनाते हैं कि श्री कृष्ण जी आ जाएंगे, हम उनको खिलाएंगे, और सचमुच श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, भोजन भी करते हैं, बातें भी करते हैं, हंसते बोलते भी हैं, और कुछ समय के पश्चात अदृश्य हो जाते हैं। एक असंभव सी लगने वाली लीला यहाँ दिखाई जा रही है, किस लिए? सबको विश्वास में लेने के लिए, ताकि सभी समझ जाएं कि ये बात सच है। कई बार ऐसा होता है कि केवल ज्ञान कहने पर भी किसी के हृदय में बात जचती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ अलौकिक देखने को मिले तब पता चले कि ये बात सच है। हर कोई अपनी मानसिकता से ज्ञान कहता है और कहता है कि इसको मान लो, हम कैसे माने? इसलिए सारी दुनिया किसे आगे बढ़ती है? चमत्कार से। अब सुंदर साथ का आगमन प्रारंभ होता है। गांगजी भाई ने सारी सेवा अपने सिर पर उठा रखी है। रात्रि के समय सबको वो परब्रह्म के युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन करते हैं। सब बैठकर ध्यान भी करने लगे हैं। थोड़ा थोड़ा अखंड ब्रज रास और परम धाम की चर्चा सुनाई जाती है और सबको लगने लगता है कि सचमुच हम ही परम धाम से आए थे ब्रज रास में, और इस जागनी के ब्रह्मांड में आए हैं, हमें जागृत होकर अब परम धाम चलना है। श्री देवचंद जी को बहुत आनंद होता है जब किसी नए सुंदर साथ का आगमन होता है। उनके अंदर बैठी हुई आत्मा को पहचान लेते हैं। अब जिस दूसरे स्वरूप से कार्य होना है उस तन का आगमन होता है। नाम है मिहिर राज, केशव राय के सुपुत्र हैं, चौथे नंबर के, पांच पुत्र हैं केशव राय के, जामनगर राज्य के
जो मंत्री थे वो है केशव राय। माता का नाम है धनबाई। इनके बड़े भ्राता हैं हरिवंश ठाकुर हरिवंश, दूसरे श्यामल जी, तीसरे गोवर्धन, चौथे मिहिर राज और पांचवें हैं उद्धव। परब्रह्म की लीला इसी तन से संपादित होनी है। इनका जन्म होता है उस तन का सम्मत 1675 में भादवदी चतुर्दशी को। कब? प्रथम जाम और वार रवि प्रकटे धनि श्रीधाम। रविवार का दिन है प्रथम पहर में। प्रथम पहर प्रारंभ होता है 6 से 9 बजे के बीच में। अब जो गांगजी भाई का एक पुत्र था श्याम जी, उसकी पत्नी का नाम था अजबाई। जो भतीजी किसकी है? हरवंश ठाकुर की पत्नी मेघबाई की भतीजी है अजबाई। अजबाई एक तरह से बहुरानी है गांगजी भाई की। उनके घर पर ये जो आड़िका लीला होती है वो सारी आकर अपनी बुआ को बताती है, यानी हरिवंश की पत्नी को, मेघबाई को। जब बात फैलती है तो पूरे परिवार में फैल जाती है, परिवार के सब लोग सुनते हैं। अंत में मेघबाई कहती है गोवर्धन से कि गोवर्धन तुम जाओ पता लगाओ कि क्या होता है वहां, क्या सचमुच में श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। इस संसार में दोनों बातें चलती हैं, अंधविश्वास भी चलता है, वहम संशय भी चलता है, अंधानुकरण भी चलता है और ज्ञान की कसौटी पर परखा भी जाता है। हर तरह की प्रवृत्तियां संसार में पाई जाती है। आप समझिए कि सभी ज्ञानी हो जाएं संभव नहीं, सभी अंधानुकरण कर लें ये कभी संभव नहीं, सभी भावुक हो जाएं ये भी संभव नहीं है। हर तरह की प्रवृत्ति के लोग संसार में होते हैं और अपने अपने भावों से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं और जब बोध नहीं होता तो नकार भी देते हैं। अब गोवर्धन स्वयं न जाकर अपनी पत्नी को भेजते हैं, उनकी पत्नी है पद्मा, जाकर देखती है कि सचमुच श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, सबके साथ भोजन करते हैं और सतगुरु जी जब दीवार पर उंगली खींच देते हैं कि देखो ये यमुना जी है परम धाम की बह रही है, तो खलखलाता हुआ यमुना जल दूध से भी उज्जवल दिखाई देता है, मिश्री से भी मीठा बहने लगता है। ये आड़िका लीला है। आड़िका लीला किसी के मन को थोड़े समय के लिए प्रभावित तो कर सकती है लेकिन पूर्ण रूप से जागृति नहीं कर सकती। अब पद्मा आकर के सारा वर्णन अपने पति को बताती है कि नहीं सचमुच ही वहां से कृष्ण जी प्रकट होते हैं, सबके साथ मिलकर भोजन भी करते हैं, उपहार भी सुंदर साथ को देते हैं। अब जिज्ञासु बनकर गोवर्धन जी जाते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं और क्या मांगते हैं? आप मेरी आत्मा को जागृत कीजिए। गोवर्धन आने जाने लगते हैं, मिहिराज जिस तन में इंद्रावती की आत्मा बैठी है, जिसके बारे में ग्रंथों में पहले से भविष्यवाणी थी पुराण संहिता के अंदर, सहायम लब्ध्वा सहायम इंद्राया लब्ध्वा कार्यम करिष्यति। इंद्रा यानी इंद्रावती की आत्मा के हृदय में विराजमान होकर सुंदरी सुंदरबाई परब्रह्म की हिलात नहीं सकती, जिसको श्यामा जी कहते हैं, जो देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान है, वे जागने कार्य करेंगे। जब तक इंद्रावती की आत्मा ना आए, जिसको पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में इंदिरा शब्द से कहा गया है, जागने का प्रकाश तेजी से नहीं फैल सकता था। मिहिराज के मन में आकांक्षा होती है, घर में जो बातें होती हैं कि श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, तो बालक का मन बहुत ही कोमल होता है। उस बाल मन में इच्छा होती है कि मैं क्यों न जाऊं। गोवर्धन
ले जाने से मना करते हैं, रोते रोते चलने लगते हैं, फिर भी हाथ छुड़ाकर चल देते हैं गोवर्धन। किंतु प्रेम तो अंदर है, भले ही महाराज को रोते हुए छोड़ गए थे, लेकिन कैसे सहन कर सकते थे कि मेरा भाई प्रतिदिन आंसू बहाए। जाकर सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी से पूछते हैं कि सतगुरु महाराज, मेरा भाई आने के लिए जिद कर रहा था, मैंने कठोरता पूर्वक उसको आने से रोक दिया है, यदि आपकी सुकृति हो तो मैं उसको लेकर आऊं। श्री देवचंद जी कहते हैं कि ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में भगवान के चरण प्राप्त हो गए थे, विष्णु भगवान के। प्रहलाद को भी छोटी अवस्था में ही भक्ति का रस लग गया था, इसलिए प्रारंभ में ही जब बाल्यावस्था में ही प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का संस्कार मिलना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं कि यदि मेरा बालक सत्संग सुनेगा तो कहीं महात्मा ना हो जाए, और इसी डर से अपने बच्चों को नास्तिक तो बना देते हैं किंतु धार्मिक गतिविधियों से दूर रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि संसार स्वार्थमय है। कोई ये नहीं सोचता कि मेरा बालक अपनी आत्मा को जागृत करे। सभी क्या सोचते हैं, संसार में रहेगा तो धन कमा कर देगा और वह धन मेरे लिए सुख का कारण बनेगा। सुखों के पीछे दुनिया भागी जा रही है, आत्म कल्याण की किसी को चिंता नहीं है। आप सोचिए, संसार का प्रेम स्वार्थी होता है। सच्चा प्रेम क्या है? जिससे हम प्रेम करें उसकी खुशियां चाहें। माता पिता सोचते हैं कि यदि मेरा बेटा कहीं महात्मा बन गया तो मेरा घर सुना हो जाएगा। यदि किसी के 4-5 बच्चे हैं तो भी माता पिता चाहते हैं कि ये ज्यादा सत्संग में ना जाया करें। 4-5 में से एक को भी भेजना नहीं चाहते। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, यदि बिगड़ गया होगा तब चाहेंगे कि सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन रहे तो घर में ही रहे, क्योंकि घर में रहेगा तो धन कमाएगा, घर छोड़ देगा तो हमारे चंगुल से निकल जाएगा। यह मोह का संसार है, जगत मोहात्मकम प्राहु, यह मोहमय जगत है। पत्नी का पति से मोह है, पति का पत्नी से मोह है, पिता का पुत्र से मोह है, पुत्र का पिता से मोह है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक सुखों के लिए कोई भी मोह का बंधन को छोड़ना नहीं चाहता। पति का मृत्यु हो जाती है, पत्नी कुछ दिन तक रोती बिलखती है, या पत्नी की मृत्यु हो जाए पति कुछ दिन उदास रहेगा, लेकिन बाद में सभी भुला देंगे। ऐसा लगेगा कुछ सालों के बाद कि इस परिवार में कोई मरा ही ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि जिस सुख की हम कामना कर रहे थे वो सुख कहीं से और मिल रहा है, तो जो चला गया चला गया, अब उसकी याद में कब तक रहें। ये बात तो ठीक है, प्रकृति के विधान को सहन करना पड़ता है, शरीर तो छूटेगा। हाँ, लेकिन दृष्टा भाव से हम संसार में वैसे रहें जैसे किसी धर्मशाला में रहा जाता है। लेकिन मनुष्य यदि तृष्णाओं का प्यासा है तो संसार में दृष्टा भाव से नहीं रह सकता। वो संसार के संबंध इसलिए बनाता है कि हमारा परिवार हरा भरा रहे, संसार के सुख के साधन अधिक से अधिक मिलते रहे। जब धन का मामला होता है तो सारे परिवार के सदस्य लड़ पड़ते हैं कि नहीं, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। लेकिन जब कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान के लिए कदम कौन निकालेगा, तो घर में रोना पीटना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मेरा बेटा ब्रह्म ज्ञान के लिए घर क्यों छोड़ेगा। एक बात देखिए, घर तो सभी को छोड़ना पड़ता है, घर क्या शरीर भी छोड़ना पड़ता है। जिस शरीर को हम अपना समझते हैं उस शरीर को छोड़ना पड़ता है, हंसते हुए नहीं तो रोते हुए छोड़ना पड़ता है। सब कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है। आपका घर है तो हमेशा रहना चाहिए। आपने इस घर को बनाया, जब मर जाते हैं तो आपके घर वाले स्मशान में पहुंचा देते हैं और आपके शरीर को जलाकर खुद 13वें के दिन खाने बैठ जाते हैं। आप सूक्ष्म शरीर से यदि देखें कि कुछ दिन ये रोए और अब तो खा रहे हैं, और तो और सारे क्षेत्र के लोगों को, हजारों लोगों को बुलाकर खिला भी रहे हैं, एक कैसा सुख। लेकिन जीते जी कोई परमात्मा को पाने के लिए,
घर छोड़ने के लिए राजी नहीं है। मैं नहीं कहता कि कोई घर छोड़े, लेकिन घर से जाकर सत्संग तो सुन सकता है, प्रियतम परमात्मा का ध्यान तो कर सकता है, क्योंकि मानव जीवन मिला है किसके लिए? स्वयं को जानने के लिए, प्रियतम परब्रह्म को पाने के लिए। नाना योन सहस्त्राणी मयोस्तानि वै, न जाने कितने जन्मों में हमने माता पिता को देखा है, हजारों माता पिता, लाखों माता पिता को देखा है, लाखों बार हमने माँ के घर में अपना जीवन गुजारा है, लाखों बार माँ के स्तनों का दुग्धपान किया है, लाखों बार हम बूढ़े हुए हैं, लाखों बार मरे हैं, लाखों बार हम पत्नी बने हैं, पति बने हैं, पुत्र बने हैं, लेकिन ये मोह का ऐसा बंधन है जो छूटता नहीं है, और तो और बुढ़ापे में भी नहीं छूटता। बुढ़ापे में भी मनुष्य सोचता है ये मेरा तो घर है, वो भूल जाता है कि उसका घर कहीं और है, जहाँ से उसकी चेतना आई है और झूठे संसार में खो गई है। प्रकृति की तरफ जब तक देखती रहेगी तब तक उसे मूल घर का पता नहीं चलेगा, और जब तक मूल संबंध का, मूल घर का पता नहीं होगा, अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक दुखों की तृष्णा से कोई छूट नहीं सकता। और ये तृष्णा ऐसी पिशाचनी माया है जो बुढ़ापे में भी पीछा करती रहती है, युवा से भी अधिक व्यथित बूढ़े व्यक्ति को करती है, क्योंकि उसको अपनी युवावस्था की बातें याद आती है कि मैं ऐसे सुखों का उपभोग करता था, शरीर चलने में असमर्थ है, बैठने की शक्ति नहीं, बोलने में भी कांपता रहता है, लेकिन तृष्णा उसके मन से निकलती नहीं। यदि तृष्णा का उच्छेद हो जाए तो हृदय में प्रीतम का मंदिर ही नहीं बन जाए, वो पल पल प्रीतम के आनंद की सानिध्यता में क्यों न रहे। लेकिन संसार में यदि ज्ञान का प्रकाश हो तब तो आत्मज्ञान सबके लिए सुलभ हो। मंदिरों में जाइए, केवल घंटी घड़ियाल बजती रहती है, कहीं परब्रह्म का चिंतन मिलता नहीं, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है, कैसे उसको पाए, ये अलौकिक ज्ञान बहुत इच्छा करने पर भी नहीं मिलता। कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं कि नचकेता, पहले तो ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने को मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते, और जो सुनते हैं हजारों में कोई एक उस पर आचरण करता है, और आचरण करने वाले हजारों में, लाखों में कोई एक परम तत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि संसार की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है, कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मानम आवृत चक्षु अमृतम इच्छन, अमृत तत्व की इच्छा करने वाला कोई धैर्यशाली ही होता है जो बाहर के संसार से अपना मुख मोड़ लेता है और अपनी अंतरात्मा में रमण करता है। अब देवचंद जी के आदेश को सिरोधारी करके गोवर्धन भाई आते हैं, और मिहराज मात्र उम्र है 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष 2 माह 10 दिन। 12 वर्ष 2 माह 10 दिन की अवस्था में मिहराज जाते हैं किसके सम्मुख? सतगुरु धनी सिंह देवचंद जी के, तारतम ज्ञान का अलौकिक प्रकाश पाते हैं उनके चरणों की सानिध्यता में, ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह अपने अंतरात्मा में उतार लेते हैं, किंतु हृदय में एक पीड़ा है कि सतगुरु महाराज को परम धाम दिखता है, वे परम धाम का वर्णन करते हैं, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता। श्री देवचंद जी ने पहली भेंट में कह दिया था कि मिहराज मेरे बाद तुम्हारे तन से लीला होगी और तुम्हारे तन से परमधाम की वाणी अवतरित होगी, तुम्हारे तन से जागने का प्रकाश फैलेगा, सारे संसार को तुम्हारे द्वारा ही अखंड मुक्ति को देने वाला ज्ञान मिलेगा। मिहराज ने ये बातें सुनकर अपने मन में बसा ली कि सतगुरु महाराज ने मेरे लिए ऐसा कहा है। अब स्वयं को साधना के मार्ग पर लाने लगते हैं, क्योंकि जब वो चर्चा सुनते हैं तो विरह भाव को प्राप्त होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। एक तो चर्चा सुनी जाती है औपचारिकता पूर्ण करने के लिए, देखा देखी सब लोग जा रहे हैं और हमें भी जाना चाहिए। एक चर्चा होती है मर्यादा निभाने के लिए,
और एक चर्चा होती है उसको आचरण में लाने के लिए। कुछ भी कहा जा रहा है तो हमें आत्मसात करना है कि यह कथन हमारे लिए कहा जा रहा है। जैसे किसी भी सत्संग की सभा में सब लोग बैठे हैं और कोई बात कही जा रही है तो सभी के लिए कही जा रही है। सत्य बोलना है तो सबको सोचना चाहिए कि हमें सत्य बोलना है। यदि यह कहा जाए कि सबको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि यह बात मेरे लिए कही जा रही है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। और जो उस ग्रहण किए हुए ज्ञान को आत्मसात कर लेता है, आचरण में उतार लेता है, वही धन धन होता है। जैसे भोजन किया हुआ अन्न अपना नहीं होता, पचाया हुआ होता है, उसी तरह से सुना हुआ ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उस ज्ञान को आचरण में लाया जाए। श्री मिराज के तन से सबके लिए अखंड परम धाम का मार्ग प्रशस्त होना है, इसलिए सच्चिदानंद परब्रह्म उस तन से ऐसी लीला कराएंगे कि आने वाले समय में हर पीढ़ी उसको एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करे। सोचते हैं यदि मैं आहार की मात्रा कम कर दूं तो मुझे परम धाम का दर्शन हो जाए। उतरते आहार घटाइया, प्रतिदिन आहार की मात्रा कम करते जाते हैं, शरीर तो जीर्ण हो रहा है लेकिन परम धाम के दर्शन तब भी नहीं हो रहे हैं। आहार कैसे करना चाहिए? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्मस्य चेष्टा, युक्त स्वप्न बोधस्य युगो भवति दुःख। आहार भी युक्त होना चाहिए, न कम न अधिक। विहार निद्रा भी न कम होनी चाहिए न अधिक। यदि बहुत अधिक आप सोएंगे तो शरीर में तमोगुण की मात्रा बढ़ जाएगी, और बिल्कुल ही नहीं सोएंगे तो बैठते समय आपको झपके लिया करेंगे, आप ध्यान कैसे लगेगा। सम होना चाहिए, समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है। बहुत अधिक धूप हो जाए तो कष्टकारी, बहुत अधिक शीत हो जाए तो भी कष्टकारी। इसलिए मनीषियों ने कहा है, अति सर्वत्रम वर्जयेत, अति नहीं होनी चाहिए, मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने भी यही भूल की थी, उन्होंने अन्न का एक एक दाना ग्रहण करना शुरू किया। बुद्धत्व की प्राप्ति चाहिए, तृष्णाएं जन्म जन्मांतरों से हमारा पीछा कर रही होती है। आजकल आपने कैंसर का नाम तो सुना ही है, कीमियोथेरेपी की जाती है, ऑपरेशन किए जाते हैं कि कैंसर के सारे कोषों को हम समाप्त कर दें। एक कोष भी बच जाता है तो मल्टीपल होकर बढ़ने लगता है और थोड़े समय में ही वो पुनः पूरे शरीर में फैल जाता है। उसी तरह से हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों से वासना के लाखों संस्कार, करोड़ों संस्कार पड़े हुए हैं। हम ज्ञान की अग्नि से, प्रेम की अग्नि से उन संस्कारों को समाप्त करते हैं। संस्कार किसको कहते हैं? कर्म का बीज। हमने शराब पी ली, आज से हजार जन्म पहले, तो वो शराब पीने का संस्कार हमारे चित्त में बसा रहेगा। जैसे गर्मी के मौसम में आप देखिए चारों तरफ धूल धूल दिखाई दे रही है, जैसे जुलाई की पहली बरसात होगी चारों तरफ घास उग जाएगी, इस समय घास नहीं उगी है। उसी तरह से जब हम सत्संग में जाते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, विवेक को आगे रखकर चलते हैं, तो वो पुराने संस्कार दबे रहते हैं, और जैसे ही उचित अवसर मिलता है, वर्षा की बूंदों के पड़ने से जैसे चारों तरफ घास उग जाती है, वैसे ही हमारे लाखों जन्म पहले के भी संस्कार उभर आते हैं और कभी भी हमें माया में ढकेल देते हैं। इसलिए संस्कारों को दग्ध करने का एक ही साधन है, परब्रह्म का ध्यान, परब्रह्म के ज्ञान का चिंतन करना और प्रेम की अग्नि से उनको जला देना। पीव के विरह निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए।
जैसे जैसे आप प्रीतम परब्रह्म से प्रेम करते जाएंगे, आपके हृदय में प्रीतम की प्रेमाग्नि जो प्रज्वलित होगी, तो संसार तो आपके चित्त में जन्म जन्मांतरों के जो लाखों संस्कार हैं, जैसे रुई का पहाड़ जल जाता है, वैसे वो भी जल जाएंगे। संभव है एक संस्कार भी बच जाए। आप हिमालय की गुफा के योगी हैं, महान तपस्वी हैं, फिर भी सतर्क रहिए। जब तक आपको साक्षात्कार नहीं हो जाता है, जब तक आपके हृदय में प्रीतम की छवि नहीं बस जाती है, आपने यदि अहं की ग्रंथि ले ली कि मैंने तो 50 साल हिमालय की गुफा में बिताए हैं, मेरे ऊपर माया क्या करेगी, तो ऐसी भूल न कीजिए। कभी भी पुराने संस्कार उभर सकते हैं, लेकिन यदि सारे संस्कारों को आपने दग्ध कर डाला है, तो जैसे भुना हुआ चना पुनः अंकुरित नहीं होता, उसी तरह से दृष्टा भाव से आप संसार में रहेंगे, संसार की माया आप पर हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए माया से परे होने का एक ही साधन है, केवल प्रीतम का ध्यान। जो जिसका ध्यान करता है वैसा ही हो जाता है। जो योग का ध्यान करेगा, योग का चिंतन करेगा, योगी होगा। भोग का चिंतन करने वाला भोगी होगा। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, अनिष्ट कर्म तो स्यात् विषय चिंतनम्। विषय का चिंतन कभी न कीजिए, विषय के निर्मूलन का चिंतन कीजिए, लेकिन विषय के भोग का चिंतन करेंगे तो भोग की वासना आपके अंदर प्रबल हो उठेगी। भले ही आप हिमालय की गुफा में क्यों न बैठे हो, भले ही घनघोर वन में क्यों न बैठे हो, किंतु आप घर में रहते हुए भी उठते बैठते सोते जागते केवल रांची का चिंतन करेंगे, माया आपसे दूर रहेगी। रात्रि को सोने से पहले जैसा आपका चिंतन होगा, आपकी रात्रि वैसे ही गुजरेगी। इसलिए किसी भी स्थिति में, चाहे आप कितने भी थके क्यों ना हो, रांची का ध्यान करके ही सोइए। टीवी के गंदे दृश्यों को देख करके आप सोएंगे तो आपके मन में वही गंदे विकार पूरी रात घूमते रहेंगे, आपकी रात्रि योग रात्रि नहीं होगी। यदि आप अपने जीवन को योग्य रात्रि में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आपको रात्रि को भी ध्यान करने की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी और प्रातःकाल उठ करके भी ध्यान करने की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी। ये प्रक्रिया जब तक चलती रही, तब तक इस देश में देव पुरुष पैदा होते रहे। देवता कहीं आकाश में नहीं रहते, पृथ्वी पर ही मनुष्य रहता है, पृथ्वी पर ही देवता रहते हैं और पृथ्वी पर ही राक्षस रहते हैं। जो तमोगुणी हैं वो राक्षस हैं, जो रजोगुणी हैं वो मनुष्य हैं, और जो सात्विक हैं वो देवता हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो तीनों से परे हैं। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर कहा है गुरु नानक देव जी ने। ब्रह्मात्मा का दर्शन क्या है, इन्हों को देखे से स्वभाव जैसे याद किए हुए हैं। भागवत में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी हलादरी इन गोपियों की चरण धूलि जिसके ऊपर पड़ जाए वो धन धन्य है। इनके लिए ही तो सभी ऋषि मनीषी खोज करते रहते हैं वेदों की ऋचाओं का आधार ले लेकर। मुझे इस ब्रजमंडल में कहीं भी स्थान मिल जाए, कोई भी योनि मिल जाए, और तो और पेड़ पौधों की भी योनि मिल जाए, ताकि आपके गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए, ये भावना है। ब्रह्मज्ञान की खोज, ब्रह्म के साक्षात्कार में तल्लीन रहने वाले दिव्य आत्माओं की खोज हमारे जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण भी कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि अर्जुन, तुम तत्वदर्शियों के पास जाओ, तत्विज्ञानार्थ सगुरुमेव अभिगच्छेत समितपाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। आध्यात्मिक की जिज्ञासा के लिए ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति के पास जाना चाहिए। मंदिरों में चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा जिसने उस परमात्मा को पाया है, उसकी सानिध्यता से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके दर्शाए हुए मार्ग पर चलकर अपने हृदय मंदिर में प्रीतम की खोज करके आप पा सकते हैं। लेकिन आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है, अध्यात्म ज्ञान सुनने में नहीं मिलता, केवल मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान है, उस मंदिर से ज्ञान की गंगा नहीं बह रही है, प्रेम की निर्मल धारा नहीं बही जा रही है कि भक्ति में कोई डूब सके। जगत का कल्याण होगा ज्ञान और प्रेम की निर्मल सरिता के प्रवाह से।
मंदिर पर सोने के कलश चढ़ाने मात्र से कुछ उपलब्धि नहीं होने वाली है। वो तो केवल देखने में सुंदरता केवल दिखाई दे सकती है, और उस सुंदरता से क्या, यह सुंदरता तो राजमहलों में भी होती है, जिन महलों में मांसाहार होता है, दुराचार होता है, शराब पी जाती है। ऐसा समझना कि मंदिरों में सोने के कलश चढ़ा दिए जाएंगे, हीरे मोती के हार चढ़ा दिए जाएंगे, तो परमात्मा अवतरित हो जाएगा कोरा भ्रम में। क्योंकि यदि सोने में पवित्रता करने वाला कोई गुण होता तो राजाओं महाराजाओं के तो सोने के महल हुआ करते थे, वो तो माया में कंठ तक डूबे रहते थे। हमारा हृदय ही तो वह मंदिर है जिसमें प्रीतम वास करेगा। राजकुमार सिद्धार्थ सत्य ज्ञान की खोज में 7 वर्ष तक वृक्ष के नीचे पड़े रहते हैं, कठोर तप, एक एक अन्न का दान खाते हैं। किस लिए? मुझे बोध प्राप्त हो जाए, सत्य को मैं जान जाऊं, जन्म मरण के चक्र से मैं छूट जाऊं, दुखों के बंधन को मैं छोड़ दूं और सारे संसार से दुखों का समूल नाश कर दूं, इसलिए बुद्धत्व प्राप्त करना है उनको। मिराज भी आहार का प्रत्याग कर देते हैं, नाम मात्र को आहार लेते हैं। 1 पैसे का जो वजन होता है उसके वजन के बराबर केवल आहार ले रहे हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है। बाल भाई सतगुरु धनी देवचंद जी से प्रार्थना करती है कि सतगुरु महाराज, आप मिराज पर दृष्टिपात क्यों नहीं करते? आखिर इनकी क्या चाहना है कि ये कुछ भी पाना स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं। श्री देवचंद जी बुलाते हैं, कहते हैं कि मिराज तुम क्या चाहते हो? मिराज कहते हैं कि सदगुरु महाराज, आप परम धाम का जब वर्णन करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी आत्मा परम धाम की है। आप अंतक चक्षुओं से परम धाम को साक्षात देख रहे होते हैं, लेकिन मैं सारा प्रयास कर चुका हूं, इतने दिनों से ध्यान में बैठता हूं, मुझे परम धाम का दर्शन नहीं होता। सतगुरु धनी से देवचंद जी कहते हैं कि महाराज, मैंने तुमको पहले ही कह दिया था, वह समय अवश्य आएगा जब तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी अवतरित होगी, तुम्हारे तन से परम धाम का ज्ञान अवतरित होगा, तुम्हारे चरणों की सान्निध्यता में आने वाले संसार के हर प्राणी को यह अवसर मिलेगा कि वह परम धाम स्वयं देखे। तुम तो सारे ब्रह्मांड को परम धाम दिखाने आए हो, लेकिन अभी समय नहीं आया है, अभी तुम्हें जो निर्देश दिया जा रहा है उस कार्य को करो। इस घटना से पहले एक अलौकिक घटना और हुई होती है। मिराज अपने भाई गोवर्धन के साथ आया जाया करते हैं चर्चा में। बड़े भाई श्यामल जी को यह बात नागवार गुजरती है कि घर का सारा काम मैं ही क्यों करूं, ये इन दोनों को छूट मिली हुई है, ये दोनों उम्र में छोटे हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोल्लू की बैल की तरह मैं ही पीसता रहूं, घर के काम में तो सबको हाथ बटाना चाहिए। एक दिन उनके मुख से क्रोध में निकल पड़ा कि जिनके यहां तुम कथा सुनने जाते हो गांगजी भाई को, और जो कथा सुनाते हैं देवचंद जी, दोनों को मैं इस नगर से बाहर निकलवा दूंगा, तब तुम सीधे हो जाओगे, जब वो रहेंगे नहीं तो किससे तुम कथा सुनाओगे, कथा सुनने जाओगे? यह बात दोनों भाइयों को सहन नहीं होती है। अपने भाई पर प्रहार करने के लिए वे आगे बढ़ते हैं, बड़ा भाई छिप जाता है। रात्रि को जब पिताश्री आते हैं, क्योंकि वो जामनगर के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, माता धनबाई कहती हैं कि अपने घर का मुकदमा तो पहले हल कर लीजिए, पूरे दिन भर तो आप सारे राज्य का मुकदमा निपटाते रहते हैं। प्रातःकाल धन केशव राय दोनों भाइयों की बात सुनते हैं और श्यामल जी की भी बात सुनते हैं। सारी बात सुनने के पश्चात पिताश्री कहते हैं कि देखो, तुम्हें भागवती तो सुननी है,
सतगुरु धनिष्ठ देवचंद जी ने 14 वर्ष भागवत कांजी भट्ट से सुनी थी, इसलिए तुम्हें भी वही सुनना चाहिए क्योंकि उनसे ज्यादा ही तो ज्ञानवान होंगे। दोनों भाई कहते हैं, गोवर्धन और मीराज के पिताश्री, यदि कांजी भट्ट हमारी प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम उन्हीं से सुना करेंगे, हम गांगजी भाई के यहाँ जाना बंद कर देंगे। अब केशव राय अपने दोनों पुत्रों को लेकर के चल देते हैं कांजी भट्ट। श्याम जी के मंदिर में कथा कर रहे हैं भागवत के। उचित समय पाकर केशव राय कहते हैं कि भट्ट जी, मेरे ये दोनों पुत्र हैं मीराज और गोवर्धन, इनकी जिज्ञासा है, आप इनके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करें। सुनिए वे प्रश्न क्या है। तीन गुण ते चौथो गुण नाही, पांच ते छठो ना तत्व, चौदह ते लोक नहीं पंद्रमो, और प्रलय चार हैं सत। चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व न होए, लोक कहो नहीं पंद्रमो, रहे कौन ठोर वह सोए, रहे कौन ठोर वह सोए। कांजी भट्ट से, भट्ट जी बताइए कितने गुण हैं? तीन, कह देते हैं सत्व रजतम। लोक कितने हैं? 14, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, और भूलोक भूअर लोक महर लोक जन लोक तप लोक सत्य लोक, 14 लोक बता देते हैं। तत्व कितने हैं? 5, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। दोनों भाई पूछते हैं कि ये बताइए, जब महाप्रलय होगा पांचों तत्व नहीं रहेंगे, आप इस सिद्धांत को मानते हैं, पांचों तत्व नहीं रहेंगे, 14 लोक नहीं रहेंगे, उस समय परमात्मा कहाँ रहेगा? अब बहुत कठिन प्रश्न है। कांजी भट्ट ने भागवत पढ़ रखी है, वो कहते हैं कि परमात्मा अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके रहता है। अब देखिए ग्रंथों में कहा जाता है, उसका आशय हर कोई नहीं समझता। उपनिषदों में यह बात कही गई है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठत ईशानो भूत भविष्य स एव अद्य स्व इत। अंगुष्ठ मात्र पुरुष आत्मा के मध्य में है। सभी दर्शन शास्त्रकारों का मत है कि आत्मा जिसको जीव कहते हैं वो क्या है? निराकार। श्वेताश्चर उपनिषद में बताया है, बालक सतभाग्यस्य सतिधा कल्पितस्य च, बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं उतना परिमाण होता है जीव का यानी आत्मा का। जो स्वयं बाल के नोक के 10,000 भाग से भी छोटा है उसका क्या आकार होगा? लेकिन उपनिषद में एक जगह कहा गया है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठत, अंगुष्ठ मात्र पुरुष आत्मा के अंदर विराजमान है। अब कैसे क्या अर्थ करेंगे? जैसे सरसावा में पुस्तकालय का कक्ष है, सरसावा में तो पुस्तकालय हो जाएगा, लेकिन ये कहें कि पुस्तकालय में सरसावा है, क्या ये संभव है? भारत में ज्ञानपीठ है, लेकिन ये कहना कि ज्ञानपीठ में भारत है कभी संभव तो नहीं? उसी तरह से या तो उपनिषद को झूठा मानिए कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मने तिष्ठत, आगे कहा जा रहा है परमात्मा भी कैसा है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योति एवं अधूम का, धूम रहित ज्योति के समान परमात्मा है और वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है। पौराणिक लोगों ने अंगुष्ठ मात्र शब्द तो पढ़ लिया उपनिषद से,
कि उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा अंगुष्ठ मात्र है, तो उन्होंने सोचा कि अंगूठा किसको कहते हैं, इसको। परमात्मा इतना बड़ा रूप धारण करके विराजमान रहता है किस पर, एक बड़ के पेड़ के पत्ते पर। दोनों भाई प्रश्न करते हैं, जब महाप्रलय होगा तो बड़ का पत्ता भी नहीं रहेगा, पेड़ भी नहीं रहेगा, जब सारा ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा तो ये बताइए किस पत्ते पर वो परमात्मा रहता है, कहां से उत्तर लाएं, क्या बता सकते हैं। तब भट्ट जी की शुद्ध बुद्ध चली जाती है, कहती है कि इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते, मैं कहां से लाऊं। तारतम ज्ञान के प्रकाश में वास्तविक सत्य का निरूपण होता है, कहां है परमात्मा, कैसा है परमात्मा। आप सुनिए, यह कथन अलंकारिक है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषा ज्योति इव अधूम का, धूम रहित ज्योति के समान परमात्मा है, अंगुष्ठ मात्र है और वह आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। जैसे कहा जाता है बृहदारण्यक उपनिषद में कथन आता है, यो आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा नवेद यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा के अंदर जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है। भाव क्या है, जैसे कहते हैं ना, हमने आपका अंगूठा पकड़ लिया है, अंगूठा पकड़ लेने का तात्पर्य आपका आधार ले लिया है। छोटा बच्चा चलता है, पिता का अंगूठा पकड़ लेता है तो दौड़ता कूदता चलता फिरता है, क्योंकि उसके सहारे उसको लगता है कि ये मेरा पिता है और मैं इसके साथ चल रहा हूँ। उसी तरह से ससीम जीव, सीमाबद्ध जीव, जब असीम अनंत परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उसकी सान्निध्यता को पाकर कहता है कि परमात्मा मेरा अंगुष्ठ मात्र है। जैसे आत्मा के अंदर जो परमात्मा विद्यमान है, वेदांत की भाषा में उसको कहते हैं कि हमने अंगुष्ठ मात्र उस परमात्मा को जान लिया है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, उसकी क्षमताएं भी जीव की सीमित हैं। जितना जाना उसी को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि हमने उस अंगुष्ठ मात्र यानी आधार मात्र जो सबका आधार है, उस आधार मात्र परमात्मा का हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। जैसे मुट्ठी है, हमने मुट्ठी भरी तो ये अंगूठा सबके बीच में है, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह से आत्मा के अंदर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अड़ो अड़ियान मातो मयान आत्मा अस्यन्तु नितं गुहायां तम कृतो पश्यत विद सको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना। कठोपनिषद के ऋषि ने इस तथ्य को उजागर किया है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष क्या है, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जो अणु से भी अणु है, जिसकी सूक्ष्मता के लिए बुद्धि कार्य नहीं कर सकती, जो आकाश से भी सूक्ष्म है, अहंकार से भी सूक्ष्म है, महत्त्व से भी सूक्ष्म है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अहंकार से बनी है, अहंकार से आकाश बना है, हमारा अंतःकरण महत्त्व से बना है, कारण प्रकृति का रूप महत्त्व से भी सूक्ष्म है, जीव उससे भी सूक्ष्म है और जीव से भी सूक्ष्म अंतर्यामी परमात्मा है। महतः परम अव्यक्ता अव्यक्तात् पुरुषः परम, पुरुषात् परम न किंचित् सा कष्ठा सा परागते। पौराणिक लोगों ने वेदात उपनिषद दर्शन का एकीकरण नहीं किया, उसका गहन चिंतन नहीं किया, तो सचमुच क्या मान बैठे, जो हाथ का अंगूठा है परमात्मा इतना बड़ा रूप धारण करके पत्ते पर पड़ जाता है। अब सोचिए, यदि पत्ते पर परमात्मा रहता है तो पत्ता किसके आधार पर रहता है, इसका तात्पर्य यह है कि पत्ता परमात्मा से बड़ा हो गया। कैसी कहानी है पुराणों की कि सारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, शेषनाग पर। यदि हम उपनिषद दर्शन वेद का एकीकरण करें तो यह बोध होगा कि कांजी भट्ट जहां चुप हो जाते हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष को मैं कैसे बताऊं कि जब महाप्रलय होगा तो वृक्ष भी नहीं रहेगा, पत्ता नहीं रहेगा, तो अंगूठे के बराबर रूप धारण करके परमात्मा कहाँ रहेंगे। अंत में कह देते हैं कि इसका उत्तर हमसे नहीं हो पाएगा। अब
पिताश्री सुन रहे हैं कि कांजी भट्ट मेरे पुत्रों के कहे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं। उस दिन से दोनों भाइयों को छूट हो जाती है कि नहीं, तुम्हें कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम दिन रात चर्चा सुनो, अब तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। अब हम वापस प्रसंग पर आते हैं कि अब महाराज को सतगुरु धनिषदेव चंद जी ने सांत्वना दी कि महाराज समय आने पर तुम्हारे तन से ही सारा परम धाम का ज्ञान उत्तरित होगा। जो साधना के विषय में मुख्य बात में कह रहा था, महाराज को भी बाद में पता चला। हाँ, उस कठोर साधना से उन्होंने अपनी परात्म का दर्शन अवश्य कर लिया, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर जो साधना रत होते हैं उनको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यदि वे आहार का पूर्णतया परित्याग कर देंगे तो परिणाम कुछ नहीं होगा। राजकुमार सिद्धार्थ को यही तो शिक्षा मिली थी। शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र बन जाता है। सुजाता खीर लाती है तब उनके प्राण बचते हैं, अन्यथा उनके प्राण उसी दिन छूट जाने थे। कुछ लोग साधना के नाम पर बहुत ज्यादा आहार ग्रहण कर लेते हैं कि शरीर ताकतवर रहेगा तो साधना करेंगे, ये भी अति है। जैसे ईंधन बहुत अधिक हो तो उसमें आग पकड़ने में देर नहीं लगती, इसलिए परिमाण से अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति भोगी ही बनता है, वो कभी योग के मार्ग पर नहीं चल सकता। किंतु आहार का बिल्कुल परित्याग कर देने वाला भी ध्यान का अधिकारी नहीं बनता, क्योंकि उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर में अग्नि तत्व की वृद्धि हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। और जब सुजाता की खीर खाई बुद्ध सिद्धार्थ ने तो उनकी समाधि लगी। अब महाराज को तो वास्तविक मार्गदर्शन आए, महाराज चल देते हैं सतगुरु महाराज के आदेश पर। संवत 1703 का समय है, जन्म होता है 1675 में। 1703 में वे 40 दिन की यात्रा करके नाव पर सवार होकर के बरारब जाते हैं। क्यों? गांगजी भाई का एक खेता भाई रहता था बरारब में, अरब देश में, और उसने व्यापार करके वहां बहुत अधिक धन कमा लिया था। गांगजी भाई के घर पर प्रतिदिन चर्चा होती है। गांगजी भाई अपने घर में सदगुरु धनिषदेव चंद जी को पधराए होते हैं। वाणी चर्चा का प्रवाह चल रहा होता है, अलौकिक ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन आहार तो चाहिए। आहार के लिए धन चाहिए, धन के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ प्रयास तो करने पड़ेंगे। इसलिए सोचा गया कि खेता भाई के यहां बहुत अधिक धन पड़ा है निरर्थक। 17 साल हो गए खेता भाई को अरब गए हुए, और आजकल की तरह तो सुविधा थी नहीं कि वहीं से पैसा भेज दे, स्वयं आ जाकर के लेना देना पड़ता था। श्री जी को भेजा जा रहा है, महाराज जा रहे हैं, खेता भाई से मिलते हैं, पता देते हैं, सारा काम संभाल लेते हैं। खाली समय में ब्रह्मज्ञान की चर्चा सुनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जिसका मन जिसमें रम जाता है उसी में लगा रहता है। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वाही में मगन, जासो लागी है लगन। शराबी सोते समय भी शराब की बात सोचेगा, जो व्यवसाय में लगा रहेगा सोते समय भी ये सोचेगा कि मैंने उनको इतना रुपया देना है उनसे ले लेना है। भोगी सोते समय भी भोग की बातें सोचेगा, और योगी सोते समय भी अपने प्रीतम की के चिंतन में लगा हुआ सो जाएगा। प्रेम के विरह में, प्रीतम को पाने के विरह में तड़पती हुई आत्मा अपने प्रीतम के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचती है। वो बेचारा तो सवेरे से लेकर रात तक 999 के चक्कर में पड़ा हुआ है। 999 जानते हैं किसको कहते हैं? केवल धन। उठते बैठते सोते जागते केवल धन की जिसकी कामना लगी रहती है उसको चर्चा क्या अच्छी लगेगी। महाराज सुनाते जाते हैं और वो बीच में ही कह देता है कि महाराज थोड़ी देर रुक जाइए, वो उस सेठ को इतना देना है, उससे इतना लेना है, ये आप नोट कर लो। अब
मेहराज भी सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि कुछ देर तो धन की तृष्णा ये बेचारा छोड़ दे, ज्ञान का प्रकाश पाले, एक न एक दिन तो शरीर को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन यही तो मोह है, यही मोह छूट जाए, हर प्राणी संसार में रहते हुए अपने को संसार से अलग कर ले, दृष्टा भाव से देखे, धन आ रहा है जा रहा है, बचपन जा रहा है, युवावस्था आ रही है, युवावस्था जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि तो शरीर है, परिवर्तनशील है। हम इसके लिए क्यों रोए कि हम बूढ़े हो गए, हमारे बालों में सफेदी आ गई? हम इसके लिए दुखी क्यों हों कि हम कल को अरबपति थे, आज लखपति हो गए, हमारा धन कम हो गया है? लेकिन जो संसार नश्वर है, उस नश्वर संसार के पीछे दुखी होना नहीं, दृष्टा होकर के देखने की आवश्यकता है कि यह तो परिवर्तन है, सील है ही, धकता हुआ सूरज दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा है। जिस चंद्रमा को देखकर हम सौंदर्य की कल्पना करते हैं, उस चंद्रमा पर तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर वस्तु क्षीण हो रही है, हमारे शरीर के प्रत्येक कोष क्षीण होते जाते हैं, फिर नए बनते जाते हैं, सिस्ट में उत्थान और पतन की प्रक्रिया चलती रहती है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, कभी मोहित नहीं होता, लेकिन जो नहीं समझते हैं कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, यही तो संसार की अज्ञानता है। अब श्री महाराज जितने धन संपदा होती है संग्रह करते हैं, लेकिन वहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम होते हैं कभी नहीं सहन कर सकते कि एक मुस्लिम देश से धन हिंदुस्तान में जाए। शेख सलाह वहाँ का हकीम होता है, उसने सोचा कि ये मेराज खेता भाई का भाई बनना हुआ है, ये लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है कि धन संग्रह के लिए लेने के लिए आया है। इसलिए वहाँ के कानून के मुताबिक कि किसी गैर मुस्लिम देश में यानी हिंदुस्तान में एक मुस्लिम देश का धन नहीं जाना चाहिए, इसी कट्टरवादी विचारधारा के अनुसार उसने सोचा कि इस धन को मैं हड़प लूं। परिणाम महाराज को पता चल गया कि अब ये हड़पने वाला है, चूंकि सारे गोदामों पर उसने सील लगवा दिया, ताला लगवा दिया कि महाराज तुम यहाँ का धन नहीं ले जा सकते। अब महाराज जाते हैं खलीफा के पास, कई दिन प्रयास करने के बाद भी खलीफा से भेंट नहीं हो पाती है। खलीफा मुस्लिम जगत का आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन उसकी जीवन शैली एक राजा महाराजा की तरह है। नमाज पढ़ने के लिए खलीफा जा रहे होते हैं, वहां के अंत प्रेरणा होती है कि नहीं, और परब्रह्म की कृपा दृष्टि से एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होता है उनके सामने जो कहता है कि जब खलीफा इधर से गुजरे तो तुम उनका वस्त्र पकड़कर खींच देना और कहना कि बादशाह यदि आपने सही समय पर न्याय नहीं किया तो क्यामत के दिन जब अल्लाह ताला के दरबार में न्याय होगा मैं आपका दामन पकड़कर न्याय मांग लूंगा। और ऐसा ही किया महाराज ने। उनको लगा कि जब प्रीतम का ही ऐसा निर्देश है परब्रह्म का तो मैं क्यों डरूं। उन्होंने दौड़कर दामन खींच दिया जिससे उनके वस्त्र की का कुछ हिस्सा फट गया था। आप जानते हैं कोई भी बादशाह चलता है तो उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा कितना प्रबल होता है। सारे जो सुरक्षा कर्मी थे हथियार लेकर खड़े हो गए मारने के लिए महाराज को। बादशाह जो मुस्लिम जगत का धर्मगुरु भी था, क्योंकि अली अबू बकर उमर उस्मान के पश्चात मुआविया ने अली के पुत्र हसन हुसैन से सत्ता छीन ली थी, धार्मिक सत्ता, और बादशाह भी मन बैठा था। उसका यही कथन था कि जो बादशाह होगा वही धर्म का भी प्रमुख होगा। खलीफा में वही शान शौकत है जो उस समय के जो आध्यात्मिक गुरु कहलाते थे बादशाह। अब बादशाह पूछता है महाराज बताओ तुम
क्या चाहते हो? मीराज का तो नाम पूछा नहीं था, पूछता है कि अजनबी तुम क्या चाहते हो? मीराज सारा प्रसंग बताते हैं कि बादशाह मेरा भाई खेता यहाँ 17 वर्ष से रह रहा है, अचानक उसका देह त्याग हो गया था, मैं उसकी संपत्ति का वारिस हूँ और मुझे वो मिलना चाहिए और इसीलिए मैं हिंदुस्तान से चल करके आया हूँ। बादशाह कहता है कि क्या तुमने कभी मिलने का प्रयास नहीं किया? मीराज कह देते हैं कि नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई मिला नहीं सका। अंत में चूंकि ये बातें महल में होती हैं, पहली बार की भेंट में जब बादशाह के साथ भेंट होती है, मीराज से कह देते हैं कल तुम चले आना मेरे दरबार में, मैं न्याय कर दूंगा। मीराज ने तो पता भी नहीं लिया था। अंत में बादशाह ने स्वयं रुचि ली, मुनादी फिरवा दी, तब मीराज ने कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मुझसे बादशाह मिलना चाहता है, और तब बादशाह का न्याय होता है। अपने साथ एक सिपाही भी कर देता है, दो सिपाही उनके साथ कर देता है बादशाह, कि शेख सलाह के नाम से पत्र लिख देता है कि मीराज को सारी संपदा मिल जानी चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम भयावह होगा। उस समय तो चाबी दे दिया शेख सलाह ने, लेकिन उसके मन में पाप है, सोचा चाहे कुछ भी हो मैं धन तो हिंदुस्तान जाने नहीं दूंगा, और यही बात करता है। रात को जब मीराज सो रहे होते हैं, गोदामों में आग लगवा देता है, कुछ नहीं बचता है। जो थोड़ा सा बचा था, मीराज जी ने पत्र भेज दिया था, बिहारी जी महाराज जो सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी के सुपुत्र हैं और गांगजी भाई का पुत्र श्याम जी, दोनों कैसे हैं, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, दोनों एक जैसे। अंतर यही है कि श्याम जी के अंदर परमधाम का अंकुर नहीं है और बिहारी जी के अंदर परमधाम की आत्मा तो है लेकिन ज्ञान का प्रकाश नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? यदि ज्ञान नहीं, चेतना को मार्ग नहीं मिल पाएगा कि हमें क्या करना है। ज्ञान आ गया तो उसका आचरण नहीं तो ज्ञान निरर्थक हो जाएगा। इसलिए ज्ञान और प्रेम के पंख लगाकर आत्मा स्वयं को जागृत कर सकती है। दोनों में से किसी एक को हटा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। पक्षी का एक पंख काट दीजिए तो भी पक्षी नहीं उड़ेगा, दायां काटिए बायां काटिए। इसलिए आत्मा रूपी पक्षी से ज्ञान हटा देंगे तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, प्रेम हटा देंगे तो जानते हुए भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अनजाने व्यक्ति से परमात्मा दूर रहे तब तो ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति से भी परमात्मा प्राप्त न हो सके तो क्षमा शब्द नहीं है, क्योंकि अनजाने को तो क्षमा है, ज्ञानवान को क्षमा नहीं है। यदि कोई सोचता है कि केवल वाणी पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर ही हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो भ्रम है। यदि कोई सोचता है कि केवल ध्यान ही ध्यान करें, पढ़े नहीं, तो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के अभाव में भटकाव का प्रश्न रहता है। आप थोड़ी सी साधना करेंगे आप आध्यात्मिक बल प्राप्त कर लेंगे, किसी को आशीर्वाद दे देंगे, आपके पास भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, आप चमत्कार दिखाना शुरू कर देंगे, परिणाम होगा आप ब्रह्म के आनंद से वंचित हो जाएंगे, लोगों की भीड़ इकट्ठी करके उनको ही खुश करने में लगे रहेंगे। इसलिए संसार को सत्य मार्ग पर दर्शाने के लिए ज्ञान और प्रेम का संतुलन होना आवश्यक है। अब श्री मीराज बिहारी जी को और उनको श्याम जी को सारी धन संपदा दे देते हैं, जो कुछ बचा खुचा रहता है, और कहते थे कि मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जानते हैं यदि किसी के मन में कड़वाहट है, किसी के मन में द्वेष है, तो द्वेष का अंकुर इतना बलवान होता है। आप देखते हैं ना, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, एक बेहया का पेड़ होता है, उसको जमीन से उखाड़िए फेंक दीजिए तो भी वो सूखता नहीं है, जमीन पर पड़ा रहे, जमीन के अंदर धंसा भी नहीं है तो भी नहीं सूखता, जल्दी हरा बना रहता है। मनुष्य के अंदर यदि भक्ति की धारा ना हो,
ज्ञान की धारा ना हो तो उसके हृदय में विवेक पैदा नहीं होता, भले ही कितना बुद्धिमान क्यों ना हो। और उसका द्वेष पल पल बढ़ता जाता है, दीन दुनी वृद्धि होती जाती है, चौगुनी वृद्धि होती जाती है, और वही द्वेष की अग्नि उसको जलाती रहती है। आप अपने हृदय को निर्मल करने के लिए अपने हृदय में प्रीतम का प्रेम लाइए, युगल स्वरूप की छवि को बसाइए तो हृदय निर्मल होगा, अन्यथा वासनाओं में जलता हुआ यह जीव अपने अधा पतन की कहानी लिखने के लिए विवश हो जाता है। दोनों आकर के चुगली क्या कर देते हैं कि मिहराज ने सारा धन चोरी कर लिया है। बिहारी जी की इस चुगली पर सदगुरु धनिष्ठ देव चंद जी ध्यान नहीं देते हैं, और श्याम जी की चुगली पर गांगजी भाई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको मिहराज पर अटूट विश्वास है। उचित समय पर मिहराज आते हैं सारी धन संपदा लेकर। बाल भाई सोचती है, क्योंकि बाल भाई पर दबाव है श्याम जी का और बिहारी जी का, कि यदि मिहराज ने सच सच बता दिया तब तो हम दोनों सबकी दृष्टि में गिर जाएंगे। जब मनुष्य एक अपराध कर बैठता है तो उस अपराध को छिपाने के लिए न जाने कितने और अपराध कर लेता है। बिहारी जी और श्याम जी यही कर रहे हैं। बाल भाई जी को तैयार किया जाता है कि किसी भी तरह से मिहराज का प्रणाम श्री देवचंद जी स्वीकार न करने पाए। अब बिहारी जी की इच्छा पूरी करने के लिए बाल भाई को अभिनय करना पड़ेगा। अभिनय क्या जानते हैं? स्त्री का एक ही हथियार होता है, दबाव बनाना। भारतीय आदर्श नारी की बात नहीं करता, आदर्श नारी तो धर्ममूर्ति होती है, लेकिन जिसके अंदर माया ने प्रवेश कर लिया वो क्या करेगी? रोना धोना शुरू कर देगी कि आप यदि मेरा कहना नहीं मानेंगे तो मैं जान दे दूंगी, जहर खा लूंगी, चाहे कैकई हो चाहे कोई हो, सभी ऐसे ही करती है। अपनी गलत बात को मनवाने के लिए ऐसा स्वांग रचती हैं कि बड़ा से बड़ा चक्रवर्ती राजा भी इनके सामने नतमस्तक हो जाएगा, वो सोचेगा कि हम क्या करें। यदि नारी का हृदय कोमल है तो बहुत कोमल है, क्रूर होता है तो उसमें दया की आशा नहीं दिखाई देती। कई कई देख रही है, मंथरा देख रही है कि दशरथ का शरीर छूट गया है, महाराजा इस दुनिया से चले गए, राम लक्ष्मण दोनों सन्यासी का वेश धारण करके जा रहे हैं। कल तक जिस राम को सिंहासन पर बैठना था अब वही राम पैदल चलने जाने के लिए विवश हैं, और साथ में सुकुमारी सीता भी जा रही है। लेकिन कैकेयी के हृदय में कठोरता है, मंथरा के हृदय में कठोरता है कि नहीं, मैं तो इनको वन भिजवा कर ही रहूंगी। न्याय करने वाले को बहुत कोमल होना चाहिए, बहुत कठोर होना चाहिए, सत्य को देखना चाहिए, सत्य क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। चाहे कोई रोए, आंसू बहाए, छाती पीटे, कभी भी पिघलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पिघल कर न्याय को कलंकित कर देगा तो धर्म की मर्यादा टूट जाएगी। वो तो एक नाटक होता है, और नाटक के दबाव में, रिश्तों के दबाव में न्यायाधीश को कभी भी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश यदि धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करेगा तो समाज की अपूर्णीय क्षति होगी। रिश्ते निभाने से धर्म नहीं चलते हैं। अध्यात्म का रिश्ता है सत्य, न्याय, निष्पक्षता। अब बाल भाई के दबाव में श्री देवचंद जी को आना पड़ता है। ये मूल स्वरूप की प्रेरणा थी, क्योंकि मिहराज को विरह की भट्टी में तपाना है, संसार को एक मार्गदर्शक चाहिए, ऐसा मार्गदर्शक जो परम धाम की प्रेम की के मार्ग पर चल सके। एक सच्ची घटना मैं बताता हूँ। बैजू बावरा, जिसका नाम था बैजनाथ, तानसेन अकबर के महान संगीतकार हैं, लेकिन हरिदास जी के शिष्य हैं, और बैजनाथ यानी बैजू भी हरिदास का शिष्य है, बालक है छोटा सा। तानसेन अकबर के दरबार में रहते हैं, उनको अहंकार है कि मेरे जैसा कोई भी गायक नहीं है, मेरे गुरु ही केवल मेरे से आगे हैं, अन्यथा मेरे गुरु हरिदास के अतिरिक्त
मेरी बराबरी करने वाला संसार में कोई नहीं है। जो उनसे मुकाबला करता है हार जाता है। तानसिंह ने शर्त लगा रखी थी कि जो हारेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। बैजू बावरा का पिता भी इसी में बेचारा हार जाते हैं, फांसी पर चढ़ाए जाते हैं। अब बैजू बावरा को बहुत बुरा लगता है, तलवार उठा लेते हैं कि मैं अपने पिता का बदला लूंगा। देखते हैं कि तानसेन संगीत की दुनिया में मस्त हैं, शुरू में खोए होते हैं। तलवार खींच लेते हैं कि नहीं, मैं तलवार से नहीं मारूंगा, मैं भी मुकाबला के लिए चुनौती दूंगा और मैं इनको हराऊंगा। बैजू की एक प्रेमिका है, सोचती है कि मेरा प्रेमी हार जाएगा तो क्या होगा, फांसी पर चढ़ना ही है, क्यों ना मैं उसके लिए अपना त्याग कर दूं। अपने शरीर अपने को नाक से डसवा लेती है, जानबूझकर नाक के पास मुंह कर देती है, छेड़ती है उसको और क्रोध में आकर के काट लेता है। किस लिए? कि मुझको सर्प से दसा हुआ जानकर बैजू मेरे लिए तड़पेगा और उसके अंदर से विरह फूटेगा तो संगीत फूटेगा, अन्यथा बिना विरह के तानसेन का मुकाबला करना संभव नहीं था। अब बैजू विरह में पागल हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि जानबूझकर मेरी प्रियतमा ने अपने को सर्प से डसवाया है ताकि मैं विरह की भट्टी में तड़पूं। विरह में पागल हो जाता है, संगीत उसके अंदर से फूटने लगता है, लेकिन संघर्ष से पहले तो गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए। जाता है हरदास जी, वृद्ध हो चुके हैं, मिलने के लिए जाता है, गठिया का रोग हो चुका है, उठा नहीं जाता, शरीर में जकड़न है। बैजू बावरा में विरह चरम पर है, एक एक कदम बढ़ाता है और गाता जाता है, मन तलपत हरि दर्शन को आज, हरि दर्शन को याद यानी हरिदास के दर्शन के लिए। आखिर जैसे जैसे स्वर लहरी हरिदास जी के कानों में पड़ती है, हरिदास जी प्रसन्न है कि आज मेरा बैजू आ रहा है। धीरे धीरे संगीत की लहरी से उनका रोग गठिया का रोग समाप्त हो जाता है और जब बैजू बावरा पहुंचता है हरिदास के पास तो हरिदास जी जो खड़े नहीं हो पा रहे थे रोग से ग्रसित होने के कारण खड़े हो जाते हैं, अपने प्रेसिस को हृदय से लगा लेते हैं और आशीर्वाद देते हैं विजयी भव। जब विरह की आग जल रही है, गुरु का आशीर्वाद है तो उसको कौन हरा सकता है। तानसेन को हारना पड़ता है लेकिन बैजू बावरा क्षमा कर देता है कि कुछ भी हो तुम मेरे गुरु भाई हो, मैं तुमको फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, भले ही तुमने मेरे पिता को फांसी पर चढ़वा दिया था। यदि बैजू बावरा की प्रेमिका ने अपने को नाक से नहीं डसवाया होता तो विरह कहां से लाते। अब मीराज को चाहिए अक्षरातीत, मीराज को श्रीराज बनना है लेकिन श्रीराज बनने के लिए तो विरह चाहिए, विरह कहां से आएगा। मीराज को विरह के रस में डुबोना है, मूल स्वरूप ऐसी लीला कर देते हैं और खलनायिका बना देते हैं बैजू बावर ये बालबाई को कि सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार न करें। सतगुरु महाराज का शरीर तो कठपुतली है, जो मूल स्वरूप का आदेश होगा वही तो कोई भी तन यहाँ करेगा, अपनी मनमाना तो कोई भी नहीं कर सकता। घोड़ा तो उधर ही चलेगा जिधर घुड़सवार आदेश देगा, यहाँ का तन तो मात्र घोड़ा है, जो कुछ भी करता है तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, मूल स्वरूप के आदेश के अनुसार ही कोई कार्य करता है। अब मिहराज आते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं किंतु सतगुरु महाराज तो कुछ बोलते ही नहीं, चादर ओढ़ लेते हैं कि नहीं मिहराज का प्रणाम स्वीकार नहीं करना है। बालबाई ने कह दिया था कि मरी पड़ी ना कुपमा तो बालबाई मारू नाम, यदि आपने मिहराज का प्रणाम स्वीकार कर लिया तो मैं कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राण छोड़ दूंगी। आप सोचिए कोई क्या करेगा,
इसी को कहते हैं त्रयाचरित्रम। त्रयाचरित्रम दैवो न जानत कुतो मनुष्य। मनुष्य भला क्या जानेंगे जब देवता भी नहीं समझ पाते हैं कि एक माया में आसक्त नारी के मन में क्या चल रहा है। वो किसी भी सीमा तक जा सकती है अपने प्रतिद्वंदी को नष्ट करने के लिए। बाल भाई इतनी क्रूर नहीं थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को क्रूर बनाया जा सकता है। कुसंग से, कट चिंतन से अच्छा से अच्छा व्यक्ति भी गलत राह पकड़ लेता है। यही बाल भाई है जो आगे अच्छा भी कार्य करेगी। अब श्री देवचंद जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं, मीराज घर वापस आ जाते हैं श्यामल जी के। लेकिन आप जानते हैं यह संसार कितने दिनों का है। मनुष्य को स्वावलंबी होने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जिस भाई को अपना भाई समझता है, संकट के समय भाई भी साथ छोड़ देता है, बहन भी साथ छोड़ देती है। संसार का हर रिश्ता स्वार्थी होता है। भाई तो चाहेगा भी, लेकिन भाभी नहीं चाहती। अब देखिए कट शब्दों के घाव कितने तीखे होते हैं। तलवारों के घाव मिट जाया करते हैं, कट शब्दों के घाव नहीं मिटा करते। कट शब्दों के से भी ज्यादा घातक होता है मानसिक चिंतन। यदि आप किसी का अनिष्ट सोचते रहेंगे तो ये आपका अनिष्ट चिंतन ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। कौरव हमेशा पांडवों का बुरा सोचते हैं। आप देखेंगे दुशासन, दुर्योधन, शकुनी और कर्ण, ये चारों मिलकर 24 घंटा सोचते हैं कि पांडवों का विनाश कैसे किया जाए। उनके अंदर की जो कटुता है वो एक दिन महाभारत के युद्ध का रूप ले लेती है, जिसका परिणाम होता है 47 लाख से अधिक 18 अक्षौणी सेना काल के गाल में समा जाती है। यदि दुर्योधन के अंदर अनिष्ट चिंतन नहीं होता, कटुता भरा उसका हृदय नहीं होता, तो शायद इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। यानी कठोर वाणी की हिंसा बहुत बड़ी हिंसा है, लेकिन उससे भी अधिक हिंसा होती है मन में किसी के प्रति कटुता के भाव रखना। यदि आपने इन विकारों को दूर नहीं किया तो संसार में केवल विनाश ही विनाश पैदा होता है। हमें क्या करना चाहिए? यदि हम अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। संगच्छद्वम संबद्धद्वम सम्मो मनांत जानताम देवा भागम यथा पूर्वम संजनानाम उपास्ते। साथ साथ चलें, साथ साथ बोले, हम सबके मन एक हो। दूसरे की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा समझें, दूसरे के आनंद को हम अपना आनंद समझें। यदि हम दूसरे को दुखी करना चाहते हैं, रात दिन किसी का अनिष्ट सोचा करते हैं, तो उससे अधिक अनिष्ट हमारा होगा। उसका तो जो होगा होगा, लेकिन उसका तो थोड़ा नाश होगा, हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए वेद ने उपदेश दिया है, मित्र से चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्र के दृष्टि से देखो। मैं वही बात कह रहा था। अब मीराज को भाभी के ताने बहुत कटु लगते हैं। श्यामल जी की पत्नी ताना मारती है कि मीराज, जिस सतगुरु के लिए तुमने अपने भाई पर हाथ उठाने का प्रयास किया था, आज वह भाई नहीं होता तो तुम कहाँ ठहरते? सतगुरु महाराज ने तो तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। ये बात याद रखिए, संसार में कोई भी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं कर सकता। शिष्य हमेशा अपने गुरु का अहित करते हैं, क्योंकि शिष्य निद्रा में सो रहा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता। ईसा मसीह को उनके शिष्यों ने पकड़वाया, दयानंद को उनके ही रसोइयों ने विष दिया, शंकराचार्य को उनके ही शिष्यों ने विष देकर मारा, गुरु गोविंद सिंह को दो पठान उनकी सेवा में आए थे, शिष्य बने थे, उन्होंने ही रात को सोते समय उनकी हत्या की थी। इतिहास में कोई साक्षी नहीं दे सकता कि किसी गुरु ने अपने किसी शिष्य की हत्या की हो। गद्दी के लालच में शिष्य गुरु की भले ही हत्या करते, गुरु अपने सामने अपने शिष्य का स्वप्न में भी बुरा नहीं सोच सकता। और ये भी बात है, स्त्री में सौंदर्य होता है, कोमलता होती है, घर की मालकिन होती है,
मनुष्य का हृदय स्त्री से बंधा रहता है, वो सोचता है कि मैं स्त्री के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये तो लौकिक आकर्षण भर होता है, लेकिन परम धाम का ज्ञान देने वाले सद्गुरु के प्रति कोई बिरला होता है जो समर्पित होता है। छत्रसाल जी हर कोई नहीं बन सकता। संसार का रिश्ता तो क्या देगा, धन देगा, कुछ लौकिक सुख देगा, लेकिन जो अखंड सुख देने वाला होता है वो कभी भी अपने शिष्य का बुरा नहीं सोच सकता। श्री देवचंद जी और मिहराज का संबंध तो अखंड है, अनादि है, परम धाम का संबंध है। लेकिन बाल भाई या श्यामल जी की पत्नी ने जो ताना मार, जो व्यवहार किया, उन नादानी के कारण किया। श्यामल जी की पत्नी यह दिखाना चाहती है कि भाई का रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, गुरु का रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन मिहराज जिनके तन में परम धाम की आत्मा है कहाँ से सहन कर सकते हैं। कला जी के पास चले जाते हैं और वहाँ कार्यभार संभाल लेते हैं। कला जी के पास राजकाज का अनुभव था ही। दो वर्ष रहे होते हैं नौतनपुरी में और दो वर्ष रहते हैं कला जी के पास। चार वर्ष हो जाते हैं, कभी मिलन नहीं होता। 1703 में गए होते हैं, 1708 में आए होते हैं। 5 साल का वह वियोग और 2 साल नौतनपुरी का वियोग, जामनगर का वियोग, और 2 साल कला जी के पास धरोल में। 9 वर्षों का वियोग है, कभी बात नहीं हुई, कभी प्रणाम नहीं हुआ। आजकल का युग होता तो मोबाइल से प्रतिदिन बात कर लेते, लेकिन वो तो युग, वह युग था जिसमें कोई विज्ञान का आविष्कार था ही नहीं। हृदय तड़प रहा है मिहराज का सतगुरु के दर्शन के लिए। एक एक दिन आंसुओं में गुजरता है, लेकिन सतगुरु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जिसकी आत्मा जागृत हो जाएगी वो क्या चाहेगा, वो तो जान जाएगा कि जिसने परम धाम का मार्ग दर्शाया है वो सर्वोपरि है। हाँ, युवावस्था जब होती है तो लगता है कि मेरी पत्नी ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उसका सुंदर रूप, मधुर भाषा सबको आकर्षित करती है। सामान्य प्राणी उसी के बंधन में रह जाता है, वो माता पिता को भी हल्के में लेने लगता है। जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने पोषण किया है, मैं ये नहीं कहता कि पति पत्नी का जीवन उचित नहीं है। दोनों एक दूसरे के अर्थांग हैं, एक ही जीवन रूपी गाड़ी के दोनों पहिए हैं, किंतु अति नहीं होनी चाहिए। जीवन में समत्व भाव होना चाहिए। पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है निभाइए, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है निभाइए, आचार्य के प्रति, गुरु के प्रति जो कर्तव्य है निभाइए। सबसे अपना संबंध निभाते हुए आपकी आत्मा का मूल संबंध है प्रीतम परब्रह्म के प्रति। वो अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। हाँ, महाराजा छत्रसाल आगे आएगा प्रसंग को, जब प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती है तो उनके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते थे। पत्नी के बिना जीवित रह सकते थे, लेकिन श्री जी के बिना नहीं। संसारी व्यक्ति सबको छोड़ सकता है, लेकिन सोचता है कि सब चले जाएं, सब शरीर छोड़ दें, सब झेल लेगा। पत्नी का वियोग उसको नहीं झेला जाएगा, क्योंकि जिससे जिसको ज्यादा लगा होता है वो उसी के बिना नहीं रहना चाहता। सच तो यह है कि ये माया का ऐसा निष्ठुर संसार है जिसमें किसी को किसी से लगाव होता ही नहीं, स्वार्थों से लगाव होता है। उन स्वार्थों की जब पूर्ति हो जाती है तो वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है। बुढ़ापे में पत्नी भी बुरी लगने लगती है। जब माता पिता धन देते हैं तो माता पिता पहले बहुत अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में वो सोचते हैं कि कब ये शरीर छोड़ दें। दिन भर खांसते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, और जब शरीर अशक्त हो जाता है, मल मूत्र का त्याग करना पड़ता है, तो बच्चे भी सोचते हैं कि हे परमात्मा जल्दी से इनको दुनिया से उठा लो। यही है माया का संसार। जिसको अपना हम समझते हैं वो अपना नहीं होता। अपना तो केवल एक है, प्रीतम परब्रह्म। सागर अपनी लहरों का परित्याग नहीं कर सकता, वैसे प्रीतम परब्रह्म हमारा परित्याग नहीं कर सकते। हमारी भूल होती है,
जो हम संसार के मुंह में उस प्रीतम से पीट दिए रहते हैं। अब मिहराज को बुलाने के लिए श्री देवचंद जी बिहारी जी को कहते हैं, 1712 का समय आ चुका है, अब उस तन को छोड़कर मिहराज के धाम हृदय में विराजमान होना है। लेकिन मिहराज के हृदय तो दुखी है, बिहारी जी महाराज जाना नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं कि यदि मिहराज आ जाएंगे तो मेरे पिताश्री उनको गादी पर बैठा देंगे, यही कुर्सी गादी सिंहासन यही तो लोकेष्णा है, वित्तेष्णा है, दारेष्णा, तृष्णाओं का मूल तो ये गादी है जिस पर बैठकर मनुष्य परंतत्व से दूर हो जाता है। जब से देश में गादी परंपरा की शुरुआत हुई है यह देश अंधकार में भटक रहा है। गादी पर बैठने से क्या मिलता है? ऐश्वर्य। वह ऐश्वर्य तो गृहस्थी में रहने पर भी मिल सकता था, आध्यात्मिक क्षेत्र में गादी का कोई स्थान नहीं है। चारों वेदों में, छह दर्शनों में, 11 उपनिषदों में, वेदों की व्याख्यान स्वरूप 1127 शाखाओं में कहीं नहीं लिखा है कि एक आध्यात्मिक पद ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उनका पुत्र हो, भले ही योग्य न हो। आध्यात्मिक क्षेत्र में योग्यता का मापदंड होना चाहिए, योग्यता का आधार होना चाहिए, वंशवाद नहीं चलना चाहिए। या कुछ लोगों का ऐसा समूह नहीं जो किसी को उस गादी पर बैठा दे, चाहे उसको धर्म की, अध्यात्म की प्राथमिक कक्षा का भी बोध न हो और वही सबको निर्देशित देने लगे तो क्या होगा? आज देश में यही हो रहा है, गादी परंपरा की शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले से। उस गादी पर चाहे ट्रस्टियों की कृपा हो या वंशवाद के आधार पर जो व्यक्ति बैठ जाता है वह सोचता है कि अब धर्म ग्रंथों के ज्ञान ग्रहण की क्या हो सकता है, अब तो वो दिन रात राजा महाराजाओं जैसा वैभव विलास में डूबा रहता है। विरह उससे कोसों दूर होता है, वैराग्य कोसों दूर होता है, ध्यान की प्रवृत्ति उसमें नहीं होती। वह उस सेठ की तरह जीवन बिताता है जिसके पास धन है, सुख के साधन है, जो एक गृहस्थी को प्राप्त होते हैं उससे ज्यादा उसको प्राप्त होते हैं। यहीं से आध्यात्मिक जीवन का पतन प्रारंभ हो जाता है। किंतु बिहारी जी को तो कोई आध्यात्मिक ज्ञान था ही नहीं, वो सोचते थे कि मिहराज ना आए। देवचंद जी बार बार कहते थे कि कोई तो मिहराज को बुलाकर लाए जो ये कहा करते थे कि यदि हमारा एक धड़ है, एक धड़ पर करोड़ों सिर हों और एक एक सिर में करोड़ों मुख हों, एक एक मुख में करोड़ों करोड़ों जिह्वाएं हों, किंतु हे सतगुरु महाराज उन करोड़ों जिह्वाओं से यदि आपकी महिमा का बखान किया जाए तो भी संभव नहीं है, क्योंकि आपने अपने अखंड ज्ञान से भवसागर से हमें पार लगाया है, आपकी कृपा का कोई भी बदला नहीं चुकाया जा सकता, उस मिहराज को कोई बुला करके लाए। बिहारी जी तो चाहते नहीं। एक बार बाल भाई आकर के कहती हैं कि मिहराज, सतगुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं। मिहराज कहते हैं कि अभी समय आ जाएगा तो मैं, कोई मेरी व्यवस्था देखने वाला कोई मिल जाए तो मैं आ जाऊंगा। दो बार बिहारी जी आते हैं, मिहराज पूछते हैं कि बिहारी जी क्या सतगुरु महाराज मुझे याद कर रहे हैं? बिहारी जी कहते हैं कि नहीं, तुम भूल कर भी नहीं आना, तुम्हें तो कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि तुमने तो अरब में जाकर के सारा धन चोरी कर लिया था। मिहराज सोचते हैं कि चलो भले ही मैं चोर तो कहला रहा हूं तो क्या सतगुरु महाराज मुझे याद करते हैं? जब पूछा था मिहराज ने, बिहारी जी कहते हैं कि तुमको तो सपने में भी याद नहीं करते, बस ये कहा है थोड़ी सी कस्तूरी लेते आना, स्वास्थ्य खराब है, तुम कस्तूरी दे दो, अंबर कस्तूरी दे दो। मिहराज दे देते हैं। अब बिहारी जी की इस दुर्भावना के कारण मिलन नहीं हो पा रहा है। सतगुरु धनी से देवचंद जी भी तड़प रहे हैं और मिहराज भी तड़प रहे हैं। दोनों के अंदर परमधाम की आत्मा है,
उनका हृदय तड़प रहा है। मिलने कौन नहीं दे रहा है? स्वार्थ, कि कहीं गादी पर ये विराजमान हो जाए। यही है संसार, जिसके लिए परमधाम की आत्माओं के अंदर भी द्वेष पैदा हो जाता है। वे एक दूसरे को नहीं समझ पाते कि हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। यह संसार क्या है? तृष्णाओं का सागर ही तो है। सारे ब्रह्मांड का राज भी किसी को दे दिया जाए तो कब तक रहने वाला है? लेकिन छोटे छोटे आश्रमों की गादी के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। वे आश्रम जो ईंटों और पत्थरों से बने होते हैं, लेकिन प्रेम तो अखंड होता है। आश्रमों पर अधिकार के नाम पर हृदय में घृणा का ज्वालामुखी नहीं फूटने देना चाहिए। अंत में जब बहुत असहाय अवस्था में श्री देवचंद जी कहते हैं कि क्या कोई भी नहीं है जो मेरे मिहराज को बुलाकर लाए, बाल भाई आकर कहती है कि मिहराज, सतगुरु महाराज तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं, क्या तुम चल नहीं सकते? आते हैं मिहराज, चरणों में प्रणाम करते हैं, आंसू बहते हैं मिहराज की आंखों से। यह आंसू किसके हैं? खुशी के आंसू हैं। 9 वर्षों के बाद मिलन हुआ है। एक ब्रह्मात्मा उस स्वरूप के सामने खड़ी है जिसके धाम हृदय में उसका प्राणेश्वर लीला कर रहा है, लेकिन लीला इतनी कठोर हो चुकी है कि 9 वर्षों का वियोग झेलना पड़ा है। इस पीड़ा को कोई जान नहीं सकता, लेकिन ये तो सबके लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि यदि हमें अध्यात्म के चरम तक पहुंचना है तो स्वयं को विरह की ज्वाला में झोंक देना होगा, प्रेम की अग्नि में भस्मीभूत करना होगा। तभी हमारे जन्म जन्मांतरों के विषय विकार निकलेंगे, हमारा हृदय निर्मल होगा। लेकिन आज तो देखा जाता है कि भक्ति के नाम पर केवल आडंबर होता है। रात रात भर नाच कूद होता रहता है, गर्वे होते रहते हैं, लोग शोर मचाते रहते हैं लाउड स्पीकर लगा लगा कर। हृदय में विरह नहीं, प्रेम नहीं, प्रीतम कहां से हृदय में आएंगे? अब मिहराज को सब कुछ निर्देश देते हैं कि मिहराज, मेरा तन छूटने वाला है, मेरे धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत तुम्हारे हृदय में अब विराजमान होने वाले हैं। तुम्हें समय समय पर सब भी आत्माओं को जागृत करना है, तुम्हारे तन से वाणी अवतरित होने वाली है। सारा कुछ बताकर बिहारी जी के साथ उनका मिलन कराने का प्रयास किया, लेकिन जिसके हृदय में घृणा की चिंगारी प्रज्वलित होने लगती है, एक न एक दिन विस्फोट करती है। चिंगारी थी जो कभी वो भयंकर शोले का रूप ले लेती है, अग्नि का दहकता हुआ शोला जो किसी को भी जला सकता है। बिहारी जी महाराज, सतगुरु देवचंद जी के डर से एक थाल में भोजन करने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन अपना अलग खिसका लेते हैं, थाली के 2 हिस्से कर देते हैं, तुम्हारा इधर मेरा इधर। ऊपर से भले ही मिल गए, दिल नहीं मिला, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग है। एक दिल गादी चाहता है और एक दिल परम धाम के ज्ञान का प्रकाश करना चाहता है। कहीं रहीम कैसे निभे, बेर गेर को संग वे डोलत रस आपने उनके फटतंग। केले और बेर की संगति नहीं होती, सत्य और झूठ का मेल नहीं होता। साचा साचे मिल चले, मिले झूठो झूठा माए, जिन जैसी सोहबत तैसी इनमें धोखा कुछ भी ना आए। बिहारी जी को कौन मिला मित्र के रूप में? श्याम जी। मैंने पहले ही कहा था, एक करेला है तो दूसरा नीम है, दोनों कड़वे हैं। और मिहराज को कौन मिलेगा? लाल दास, भीम भाई, मुकुंद दास, महाराजा छत्रसाल, ऐसी परमधाम की आत्माओं से मिलन होगा। और जो परमधाम के ज्ञान को सारे संसार में फैलाने का दृढ़ संकल्प करेंगे। इसलिए अब ऐसी लीला हो रही है, समय आने पर श्री देवचंद जी का अंतर्धान हो जाता है। मिहराज के लिए असह्य है, अपनी पीड़ा किससे कहें, क्योंकि पीड़ा तो मूक होती है। हृदय की पीड़ा को शब्दों से जब कह दिया जाता है तो पीड़ा का रस चला जाता है। मिहराज किसी से कहते नहीं है। तन छूटने के साथ सभी ने क्या समझ लिया कि हमारे
राज्य तो अब परमधाम चले गए क्योंकि श्री देवचंद जी ने तन छोड़ दिया। कोई ये नहीं सोचता कि सागर जब अपनी लहरों को नहीं छोड़ सकता तो प्रीतम अक्षरातीत इस माया के संसार में हमें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। किंतु परमधाम का ज्ञान तो था नहीं, इसलिए जो चर्चा सुनी होती है वो भूल जाया करती है। सभी भ्रम के शिकार हो गए। बालबाई सोचती थी कि यदि गादी पर बिहारी जी को बैठा दिया जाए क्योंकि उनके पुत्र हैं, क्योंकि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्र का। यही सोचकर बालबाई जी ने सब सुंदर साथ को अपनी तरफ मिलाया और कहा कि गादी पर बैठाया जाए। मेराज तो भला क्यों विरोध करें, उन्होंने तो यही चाहा कि अच्छी बात है। सबसे आगे मान होकर बिहारी जी को गादी पर बैठाया। जो नहीं चाहते थे उनको भी कहा कि नहीं इन्हें गादी पर बैठाया जाए। याद रखिए, जिस तन से महान कार्य संपादित होने हैं वह तन राजमहलों में नहीं रह सकता, किसी गादी पर नहीं रह सकता, कहीं का महंत नहीं बन सकता। करतल भिक्षा तुरतल वास जिसने अंगीकार किया वो महलों की शीतल छाया में क्यों रहेगा? बुद्ध निकले, महावीर निकले, शंकराचार्य निकले, दयानंद निकले, जहां भिक्षा मिली मिल गया खा लिया, कोई मठ मंदिर बना करके नहीं रहे। ये अवश्य होता है किसी कार्य के निर्देशन के लिए स्थान बनाना पड़ता है। आप ऐसा ना सोचिए कि ज्ञानपीठ भी कोई मठ मंदिर है। ये मठ मंदिर नहीं है, आश्रम नहीं है, ज्ञानपीठ है। यहाँ ज्ञान की साधना होती है, भक्ति की साधना होती है। इसलिए मंदिर जो बना है लोक रीति को निभाने के लिए उसमें केवल 8 लाख खर्चा किया गया। जो पुस्तकालय बना है उसमें 40 लाख का खर्चा किया गया, और जो ध्यान कक्ष बनाया है जिसमें 24 कक्ष हैं उसमें 16 लाख खर्चा किया गया। किस लिए? कि जब तक ये धरती रहेगी, जब तक यहाँ मानव का वास रहेगा, लक्ष्य यही है कि ज्ञान का प्रकाश चलता रहे। पुस्तकालय को तोड़कर कोई इसमें गद्दे तो रखेगा नहीं। ध्यान कक्ष किसी और काम में नहीं आना है। जब काम में आएगा तो केवल ध्यान कक्ष के ही काम में आएगा। उसमें ध्यान कक्ष में ध्यान के सिवा कोई दूसरा काम ही नहीं हो सकता। यही सोचकर ज्ञानपीठ का निर्माण किया गया है। यह ज्ञानपीठ किसी व्यक्ति का नहीं है, राजन स्वामी का नहीं है। मेरे नाम से तो एक दिन का भी ज्ञानपीठ करना था, न है और न कभी होगा। मैं तो भोजन भी वही करता हूँ जो बिना मांगे कोई ला देता है। इस ज्ञानपीठ में तो मैं ये भी अधिकार नहीं रखता कि मेरे लिए ये भोजन लाया जाए, मेरे लिए ये सामान लाया जाए। जब चप्पल टूट जाती है तो जो देखभाल मेरी करते हैं वो ला देते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता कि मेरे लिए ऐसी चप्पल चाहिए, मेरे लिए ऐसा वस्त्र चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरा नहीं है। ये तो वाणी के प्रचार के लिए ज्ञानपीठ स्थापित किया गया है, अन्यथा मेरा निवास तो बुद्ध की तरह वृक्षों के नीचे होता। मैं अपने जीवन में कोई कुटिया भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन एक मिशन के लिए यदि न बनाया जाए तो शिक्षा दीक्षा कहाँ दी जाए, आने वाली पीढ़ी को कहाँ से तैयार किया जाए। अब वो गंगजी भाई का स्थान एक तृष्णा का स्थान बन चुका है, क्योंकि गादी पर बैठेंगे सब लोग आकर मत्था टेकेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, अच्छा खाने पीने क्यों मिलेगा, इसलिए तो बिहारी जी के अंदर बैर है। जब किसी व्यक्ति को गादी पर बैठाया जाता है तो हजारों लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, आरतियां उतारते हैं। जिसमें विवेक नहीं होगा वही तो इन चीजों के पीछे भागेगा। आप शंकराचार्य के गादी पर बैठ जाइए, कोई इसी मंडलेश्वर की गादी पर बैठ जाइए, आप 50 लाख 60 लाख की गाड़ियों में घूमेंगे, हजारों लोग दंडवत प्रणाम करेंगे, जय जयकारा लगाएंगे। सामान्य व्यक्ति को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। किंतु जो सच्चा सन्यासी होगा उसके लिए यह विष है। मूल स्वरूप अक्षरातीत कभी नहीं सहन कर सकते कि महाराज कहीं के गादीपति बने। गादीपति बन जाते तो वाणी का अवतरण कैसे होता?
सारे देश को परम धाम की तरफ ले चलना है, मिराज को तो पैदल ही चलना होगा, मिराज को वनों में भटकना होगा, एक एक आत्मा को जगाने के लिए भटकना होगा। इसलिए ऐसी लीला रचाई गई है। एक तरफ बिहारी जी हैं, अज्ञानता के पोषक, अंधकार के पोषक, और एक तरफ मिराज हैं जो किसी भी स्थिति में गादी पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब बिहारी जी क्या करेंगे? देखते हैं कि मिराज का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मिराज सोचते हैं कि सबको ज्ञान चर्चा सुनाई जाए, और बिहारी जी को तो कुछ पता है नहीं, बिहारी जी क्या करें। एक कहावत कही जाती है, मूर्खाणाम बलम मौनो। जब ज्ञान नहीं है तो मौनी बाबा बन गए, क्योंकि ज्ञान सुनाना पड़ेगा तो ज्ञान ग्रहण के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए जानते हैं, एक नियम बना देते हैं महंत लोग कि आप हमसे कोई भी प्रश्न नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम गादीपति हैं। अध्ययन की प्रवृत्ति नहीं है, ध्यान की प्रवृत्ति नहीं है, और यही चीज पूरे आध्यात्मिक जगत को विनाश की तरफ ले जा रही है। प्राचीन काल में धर्म के सर्वोच्च सिंहासन पर किसको बैठाया जाता था? जो सबसे अधिक ज्ञानवान हो, सबसे अधिक वैराग्यवान हो, सबसे अधिक भक्ति भाव में डूबा हो और हृदय से निर्विकार हो। आज गादी पर कौन बैठता है? जिसको ट्रस्टी बैठाना चाहे, जिसके समर्थन में लोग खड़े हो जाएं, वो गादी पर बैठ जाता है। बालबाई समर्थन में बिहारी जी के खड़ी होती है, बिहारी जी को बैठा दिया जाता है। अब सोचते हैं कि ये मिराज जो प्रतिदिन चर्चा सुनाते हैं, क्योंकि उनको चर्चा तो आती नहीं, कहीं काईट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, किसे कहानियां सुना देते हैं, किसी के हृदय को तृप्ति नहीं होती है। अब मिराज के मुख से अलौकिक ज्ञान का प्रकाश फूटने लगता है। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तड़ी रसाल। जैसी चर्चा उन्होंने श्री देवचंद जी के मुख से सुनी होती है, वैसी ही चर्चा उन्हें श्री मिराज के मुख से सुनने को मिलती है। अब मिराज के प्रभाव को देखकर बिहारी जी के मन में ईर्ष्या का अंकुर फूट उठता है कि गादी भले ही मैंने ले ली है तो क्या, सारे सुंदर साधु मिराज को चाहते हैं, मैं गादी पर बैठकर क्या करूंगा। यदि सुंदर साधु मेरे प्रति भाव रखे नहीं तो, बिहारी जी के पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, सील नहीं है, संतोष नहीं है, आध्यात्मिक गुण कोई नहीं। रक्त के संबंध से देवचंद जी का पुत्र होने से उनको गादीपति बना दिया गया। मिराज के मन में ऐसा होता है कि क्यों नहीं मैं सब सुंदर साथ को यही बुला लूं, दिन रात वाणी चर्चा चले। आप देखेंगे इसी में टकराव होता है। एक विचारधारा चाहती है कि ज्ञान फैले ही नहीं, एक विचारधारा चाहती है जो गादियों पर बैठी है ज्ञान को फैलने देना नहीं चाहती। आज इस देश में 70 लाख से अधिक महात्मा हैं। यदि सभी महात्मा ज्ञानवान होते, मठों में बैठे हुए सभी महात्मा, कोई मंडलेश्वर कहला रहा है, कोई आचार्य कहला रहा है, कोई सतगुरु कहला रहा है, कोई शंकराचार्य कहला रहा है, यदि सभी एक स्वर से सोचे कि सारे देश से अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर देना है, पाखंड के वृक्ष को ज्ञान के कुल्हाड़े से काट देना है, तो आज ये देश कहां से कहां पहुंच जाए। लेकिन हर कोई अपने ही सुख विलास में डूबा हुआ है। हर धर्म की गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं वैभव की चिंगारियों से झुलस रहा है, वो उसी को स्वरूप पर माने बैठा है। वो नहीं सोचता कि जिस परिवार को तुमने ठोकर मारकर संन्यास का ये वस्त्र धारण किया है, इस संन्यास में तो भिक्षा को ही सर्वोपर वस्तु माना गया है। लोक के श्राम, वित्त श्राम, दाढ़ी श्राम, प्रतिज्ञ भैक्षचर्याम चरंता। उपनिषद कहती है, तपः श्रन्ते ही उपविशन्त शांता विद्वांस भैक्षचर्याम चरंता, सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांत यत्र पुरुषा स
अव्यय आत्मा। तप श्रद्धे हे उपविशंत, तप और श्रद्धा से युक्त होकर जो वनों में निवास करते हैं, भिक्षा में मिले हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, वे मोक्ष मार्ग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांत यत्र अमृता स पुरुषा ही अभ्य आत्मा। मोक्ष मार्ग में ध्यान, मोक्ष मार्ग में तल्लीन रहने वाले, ध्यान साधना समाधि से परिपक्व वे तपस्वी योगी यति परम तत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए सन्यासी कहलाने का अधिकार किसको है? वह नहीं जो भगवे वस्त्र धारण कर ले। काम्य नाम कर्मणाम न्यास इत संन्यास कवि विदु। काम्य कर्मों का न्यासी संन्यास है, जिसने काम्य कर्म का परित्याग कर दिया है। लोकेष्णा वित्तेष्णा दारिष्णा, जिसके हृदय में स्वप्न में भी नहीं आती, जो संसार में प्रतिष्ठा नहीं चाहता, अपने आश्रमों में वैभव की वृद्धि नहीं चाहता, शिष्यों का समूह इकट्ठा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता, वही सन्यासी कहलाने के योग्य है। आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। जिसके पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिसके साथ हजारों शिष्य हैं, जिसके आश्रम में वातानुकूल अनुकूलित कमरे हैं, वही आज बड़ा सन्यासी कहला रहा है, जबकि यथार्थता में ऐसा नहीं है। और कभी न कभी देखने को मिलता है कि ये तथाकथित स्वयंभू सन्यासी अपराध की दुनिया में भी आ जाते हैं, पर्दे के पीछे अपराध कराते हैं और कहीं न कहीं जेल की शिक्षों में भी फंस जाते हैं। ऐसा सन्यासी जिसके आने पर चक्रवर्ती सम्राट खड़ा हो जाता था, आज कलयुग में वह सन्यासी कारागार की दीवारों में बैठने के लिए विवश है। आखिर क्यों? इसलिए कि सन्यास की मर्यादा ध्वस्त हो चुकी है, ज्ञान भक्ति वैराग्य सब तिरोहित हो चुका है। मिहिराज सुंदर साथ को ज्ञान चर्चा भी सुनाते हैं, जितनी भी कराते हैं, और जामनगर राजा के मंत्री का सचिव पद ग्रहण कर लिए होते हैं। उसको निभाते भी हैं, जो वेतन मिलता है वही इकट्ठा करते हैं और उसी से सब सुंदर साथ के लिए सामग्री भी संग्रहित करते हैं, ताकि सब सुंदर साथ को यहीं रख लिया जाए, दिन रात ज्ञान चर्चा सुनाई जाए, किसी को घर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। अब बिहारी जी एहसान नहीं कर सकते, उन्होंने चुगली करा दी जाम राजा के यहाँ कि महाराज ने इतना धन संग्रह कर लिया है, ये चोरी का धन तो नहीं है, क्योंकि जिसकी दृष्टि जैसी होती है दूसरे के बारे में वैसे ही सोचता है। यही बिहारी जी हैं जिनको महाराज ने धन दिया था अरब में कि ये ले जाकर आप अपने पिताश्री मेरे सतगुरु महाराज को दे देना। श्याम जी ने और बिहारी जी ने वो धन छिपा लिया, दिया नहीं, कहा कि महाराज ने दिया ही नहीं। बिहारी जी स्वयं वैसे थे, महाराज को भी उसी दृश्य देखते थे। और आप जानते हैं नीति की शिक्षा है कि सुनिए ज्यादा बोलिए कम। आपके दो कान हैं, दो मुंह नहीं है। लोग करते क्या है, सुनते कम है बोलते ज्यादा है, इसी से अनर्थ होता है। राजा लोग तो वैसे ही कान के कच्चे होते हैं। चुगली सुनी, बिना सोचे समझे महाराज को कारागार में बंद कर दिया जाता है। साथ में श्यामल जी भी हैं और उद्धव भी हैं, पूरे परिवार को नजरबंद कर दिया जाता है हफ्से के अंदर। आप सोचिए कि महाराज तो चाहते थे कि मैं सब सुंदर साथ को दिन रात वाणी की चर्चा सुनाऊं, परम धाम का ज्ञान दूं, चितवनी कराऊं, माया खड़ी होती है। आप देखिए नदी का जल चट्टानों से टकराता है किंतु बहता जाता है और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अनंत सागर में मिल जाता है। उसी तरह से अध्यात्म के मार्ग में चलने पर तरह तरह की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं से किसी को भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाधाएं उनको शक्तिशाली बनाने के लिए आती हैं। धूप में लहलाता हुआ एक पौधा जो धूप को सहन करता है, शीत को सहन कर सकता है, वर्षा को सहन कर सकता है, यदि उसको छाया में रख दीजिए तो वो पौधा मुरझा जाएगा।
कठिनाइयां आती हैं हमको महान बनाने के लिए। कठिनाइयों से घबराइए नहीं, दुखों से परेशान मत होइए। सर्वशक्तिमान परमात्मा के आपने चरण कमलों का आश्रय ले रखा है। आपका हृदय यदि परब्रह्म के प्रति समर्पित है तो ये बाधाएं थोड़ी समय में ही आएंगी, अवश्य चली जाएंगी। ये आई हैं आपको शक्तिशाली बनाने के लिए। पर्वत पर चढ़ते समय आपका पैर फिसलता है तो घबराने की क्या हो सकता है। याद रखिए, अपने कदम बढ़ाते जाइए, एक दिन अवश्य आएगा आप पर्वत के शिखर पर विराजमान होंगे। मिहराज को विरह का ताप फूटता है कि जब मैं अरब में सतगुरु महाराज के निर्देश पर गया था तब भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे कि मैंने धन की चोरी की है, और जिस धन से मैंने ये सारी सामग्री खरीदी है, यह सारी सामग्री तो सुंदर साथ की सेवा के लिए खरीदी गई है और पैसा मेरा है, मेरे वेतन का जो पैसा था वही पैसा इसमें लगा है, फिर भी यदि मुझे नजरबंद किया गया है तो मेरा कौन है। अब विरह में उनकी आंखों से आंसुओं की जलधारा फूटनी शुरू होती है। समय बीतता जाता है, आंसू भी सूख जाते हैं। आहें भरते भरते हर पल हर घड़ी उसी में मिहराज रहते हैं। आ विसु की अंग में श्वास में छोड़े हो संग, तब तुम पर्दा डाल के दियो मुहे अपनों। एक स्थिति ऐसी आती है, अब मिहराज कारागार में माला का जप तो नहीं करेंगे, मिहराज क्या करेंगे, अपने प्राणेश्वर को पुकारेंगे जो सतगुरु महाराज से उन्हें अखंड की संपदा मिली है। नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा में डूबे हैं, हर पल दिख रहा है, आंखें बंद हैं, शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया है, ऐसा लग रहा है हार हुए सब लकड़ी सिर श्रीफल लगन। ऐसी स्थिति में विरह की भट्टी में तपते तपते स्थिति बन जाती है, प्रीतम को सामने आना पड़ता है। ऐसा लगा कि शरीर छूट गया, शरीर छूटा नहीं था, छूटने की स्थिति थी। आस भी सुख के अंग में श्वास भी छोड़ी उस संग, वैसे इस चौपाई का वास्तविक अर्थ देखें तो यही भाव निकलता है, श्वास भी छोड़ी उस संग। आह के साथ जब प्रीतम के विरह की मात्रा अधिक होती है तो श्वास निकल जाती है। देखने में आता है जहां सच्चे प्रेमी होते हैं एक के बिना दूसरा जी नहीं पाता। शशि और पूनम की यही कहानी है, एक दूसरे के विरह में दोनों ने तड़पते तड़पते प्राण छोड़ दिए। लैला और मजनू ने भी एक दूसरे के विरह में एक के सामने ही दूसरे ने प्राण छोड़ दिया। लव वर्ड्स भी ऐसे ही करते हैं, एक मरेगा दूसरा तुरंत प्राण छोड़ देगा। एक तो मनुष्य का हृदय कठोर है, पत्थर है जो हड्डियों को चूसता है, मांस को पका करके चटकारे लेता है, कहता है कि बहुत मजा आ रहा है। वो रूखा दिल भला प्रीतम को क्या प्राप्त कर पाएगा। किंतु मनुष्य के पास बुद्धि है, उसने यदि तत्व ज्ञान ले लिया, विरह में अपने को डुबो दिया तो अनंत ब्रह्मांडों के निर्माता परमात्मा को उसके सामने स्वयं चल करके आना पड़ता है, दर्शन देना पड़ता है, उसके हृदय में विराजमान होना पड़ता है। इसलिए विरह की भट्टी को जलाते रहिए, एक न एक दिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। जो मिहराज ने पाई करके दिखाया है हम सबके लिए, अब उस हफ्से के कारागार में स्वयं प्रियतम युगल स्वरूप प्रकट होते हैं। दिल बैठे सुंदर रूप अनूप युगल स्वरूप का दर्शन होता है। इंद्रावती आत्मा को निर्देश होता है कि मुझे तो इस तन से जागनी करनी है। इंद्रावती तुम्हें अपने उस तन में वापस लौटना होगा। इंद्रावती की आत्मा अपने तन में प्रवेश करती है, युगल स्वरूप उस धाम हृदय में विराजमान होते हैं, वाणी का प्रवाह फूटता है जिसको कहते हैं तारतम वाणी। राज प्रकाश सरस्वती की वाणी अवतरित होती है, कलश की दो चौपाइयां अवतरित होती है, समय समय पर वाणी अवतरित होती रही, और यह ब्रह्मवाणी मनुष्य की अपनी बुद्धि के देन नहीं है, अपौरुषेय है, स्वयं पर ब्रह्म के आवेश ने इस वाणी को कहा है। वेदों का अवतरण अक्षर की ज्ञानधारा के रूप में होता है। अक्षर ब्रह्म की ज्ञानधारा सृष्टि के प्रारंभ में
चार ऋषियों अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के अंदर अवतरित होती है। उसी वेद की व्याख्या में छह दर्शन बने, छह अंग बने। 1127 शाखाओं में उन्हीं वेदों की व्याख्या है। वेद ज्ञान के समुद्र हैं। कुरान का ज्ञान अवतरित होता है, वही परब्रह्म की शक्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुरान की आयतों को लेकर अवतरित होती है। महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, ईसा मसीह ने जो भी ध्यान साधना से अपने अपनी आत्मा के हृदय में उस ज्ञान को आत्मसात किया, लेकिन जो अपौरुषेय ज्ञान है सृष्टि के प्रारंभ में वेदों के रूप में अवतरित हुआ, तो जो वेद और कुरान दोनों के रहस्य को, संत साहित्य के रहस्य को उजागर करने वाली तारतम वाणी का अवतरण महामती जी के धाम हृदय में अवतरित होता है। बृहत सदाशिव संस्था में इस बात को दर्शाया गया है कि चित आवेशवती बुद्धि अक्षरस्य महात्मनः प्रबोधाय प्रियाणाम भविष्यत भारत अचिरे। पर ब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि प्रकट होती, किसके लिए? परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए। और उस ज्ञान का जो भी रसपान कर लेगा, निश्चित है कि उसको परम धाम का मार्ग मिल जाएगा। वह जान जाएगा कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कैसे हम उस परमात्मा को पाए। यह 18,758 चौपाइयां तारतम वाणी के रूप में संग्रहित है। 14 ग्रंथ इसके हैं। जैसे ऐसे लगता है एक ऐसा ज्ञान का पुष्प, अनंत ज्ञान का पुष्प जिसकी 14 पंखुड़ियां हों, हर पंखुड़ी से ऐसी सुगंध निकल रही है कि यदि यह सुगंध कहीं ना कहीं कमल की पंखुड़ियों में घिरी पड़ी है, जिस दिन यह सुगंध बाहर निकलेगी पसरसी पाव पल में 14 तरफों सब धरन। यदि प्रत्येक ब्रह्मात्मा यह दृढ़ संकल्प कर ले कि हम इस ज्ञान को संसार में फैलाएंगे, तो इसकी सुगंध का करोड़ों अंश भी जिसके हृदय में चला जाएगा, निश्चित है कि वह जान जाएगा कि मैं लाखों जन्मों से कैसे भटक रहा था, नाना योनियों में मैं भटक रहा था, मैं नहीं जान पाया था कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कैसे मैं उस प्रीतम को पाऊं, कैसे रिझाऊं। यह सारा ज्ञान सरल शब्दों में उसे वाणी दे देगी। यह वाणी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के सभी झगड़ों को मिटाएगी, हिंदुओं के हजार संप्रदायों के झगड़ों को मिटाएगी। लेकिन आवश्यकता है निष्पक्षता की चादर ओढ़कर अपने विवेक चक्षुओं से इस वाणी के चिंतन के। जो इस ब्रह्मवाणी का चिंतन कर लेगा इत भी धन हो जाएगा और देह त्याग के पश्चात भी दीनदान करेगा। इस ज्ञान को जो फैलाएगा वो निश्चित है कि संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होगा, जो अंधकार में भटकते हुए संपूर्ण मानव समाज को ऐसा मार्ग दिखाएगा, ऐसा स्वर्णिम पथ दर्शाएगा जिस पर चलने वाला हर प्राणी सोचेगा कि यह मेरे जीवन का सबसे प्रसन्नता का दिन है कि मुझे परम धाम के अलौकिक ज्ञान का मार्ग मिला है। यदि संसार के सभी मतावलंबी अपने हृदय की संकीर्णता छोड़कर, सांप्रदायिक कट्टरता की आंधी में उड़ना छोड़कर ब्रह्मवाणी का अवसरण करें, तो उन्हें लगेगा कि यह वाणी ऐसे चौराहे पर हमें खड़ी कर रही है जहाँ एक तरफ वेद पक्ष के रहस्य दिख रहे हैं, एक तरफ कदेव पक्ष के रहस्य दिख रहे हैं, एक तरफ अखंड परम धाम जगमगाता हुआ दिख रहा है, तो एक तरफ संत वाणी का साहित्य दिख रहा है। संसार के कोई भी ग्रंथ का रहस्य ऐसा नहीं है जो इस वाणी से सुलझाया ना जा सके। इसलिए हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है हम सत्य के सागर में गोते लगाने का प्रयास करें, इसकी अनमोल मूर्तियों को चुने और उसे सारे संसार में फैलाएं।